वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भागवत के लिए सुंदर व्याख्यान करते हुए पुराणों के अंदर इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। विशेष करके स्कंद पुराण और पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान गाया गया है। तो शास्त्रों में पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जो श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करती है। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृत अवतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामि अम्भागवत स्वरूपम्। इतना सुंदर श्लोक व्याख्यान किया गया पद्म पुराण में। कहते हैं नमामि देवं करुणानिधानम्। हे करुणा निधान, हे कृपा करने वाले भागवत, हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण का रंग है तमाल। तमाल वृक्ष देखा है आपने कैसा होता है? तमाल वृक्ष किस रंग का होता है? कलर कैसा रंग है तमाल का? काला रंग होता है। तो भगवान कृष्ण के रंग को तमाल वर्ण कहते हैं। तो यहाँ भागवत के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। कई लोग भागवत को पुस्तक समझते हैं कि अच्छा पुस्तक है, तो भागवत को कहा तमाल वर्णम सुहृद अवतारम। भगवान कृष्ण ने अपना एक अवतार लिया है जिसे ग्रंथ अवतार कहते हैं, शब्द अवतार कहते हैं। अगर आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके सामने साक्षात ये भागवत रखा है। जिस व्यक्ति ने भागवत का दर्शन नहीं किया उसको कभी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। ये भागवत भगवान है। तमाल वर्णम सुहृद अवतारम, भगवान का रंग तमाल वर्ण है, उन्होंने अवतार लिया है। कौन सा अवतार है? अपार संसार समुद्र सेतुम।
एक भवसागर है, इसमें हम सब फंस गए हैं, परिवार, रिश्तेदार, संसार। लेकिन इस संसार से अगर निकलना चाहे, जैसे भगवान श्री राम को एक बड़ा सागर पार करने के लिए एक सेतु बनाना पड़ा, क्या नाम है उस सेतु का? राम सेतु। रामेश्वरम तीर्थ पर जाते हैं तो राम सेतु का दर्शन पाते हैं। कर राम सेतु को पार करके ठाकुर जी अपने साथ वानर सेना को पार ले गए रामेश्वरम तीर्थ से। ऐसे ही अगर हमें इस भवसागर को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक पुल की आवश्यकता है। बिना पुल के रोड भी पार नहीं होती आजकल दिल्ली में। तो फ्लाईओवर चाहिए, पुल चाहिए, ब्रिज चाहिए? बोले हाँ, सेतु चाहिए। कौन सा सेतु? बोले ये भवसागर को पार करने का एक ही पुल है, एक ही सेतु है। अपार संसार समुद्र से तुम भजामि हम भागवतम स्वरूप। ये भगवान भागवत स्वरूप में प्रकट हुए हम सबके सामने। इसके श्रवण करने माध्यम से ही हम इस भवसागर को पार आसानी से कर सकते हैं। बोले भागवत सुना तो बहुत है, लेकिन टीवी पर देखते हैं, लेकिन अपनाया क्या हमने? परिवर्तन क्या आया हमारे जीवन में? बोले इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं। जैसे थे वैसे के वैसे ही है। लेकिन भागवत श्रवण का फल यह है कि अगर आज सुनना शुरू किया तो 7 दिन बाद आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, आप में हरि के प्रति प्रेम आना चाहिए। प्रेम प्राप्ति का एक ही सागर, एक ही रास्ता, श्रीमद् भागवत। श्री, श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक शब्द क्या है? श्री, श्री से प्रारंभ होता है। श्री क्यों कहा बताना चाहेंगे? श्री क्यों कहा? श्री मद भागवतम, श्री क्यों कहा? आपने लक्ष्मी जी के बारे में सुना होगा, लक्ष्मी जी को क्या कहते हैं? श्री, है ना, श्री जी। वृंदावन जाएंगे बरसाना में, राधा रानी को भी श्री जी कहते हैं। श्री जी, श्री का मतलब है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, ऑपुलेंस ऐश्वर्य, धन संपदा, श्री। तो अगर एक ब्राह्मण की श्री देखी जाए, एक ब्राह्मण की श्री क्या है? बोले ब्राह्मण की श्री है उसका चरित्र, उसका ज्ञान। अगर ब्राह्मण में चरित्र ना हो, मदिरा पीकर पड़ा हो और कहता हो कि मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या वो ब्राह्मण है? एक ब्राह्मण शब्द से क्या मन में आता है? साफ सुथरा, चरित्रवान, ज्ञानवान, कोई सुस्पष्ट शास्त्र जानने वाला कोई व्यक्ति होगा ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की श्री क्या है? बोले ब्राह्मण की श्री है उसका चरित्र, उसका ज्ञान। एक क्षत्रिय की श्री क्या है? बोले क्षत्रिय की श्री है उसका शौर्य, उसका वीरता, उसका बल। एक वैश्य, एक बिजनेसमैन, एक वैश्य वर्ण के व्यक्ति की श्री क्या है? बोले उसका वैभव, उसका दान। एक वैश्य की श्री है। बोले सूर्य की श्री क्या है? उसका तेज। अगर सूरज तेज विहीन हो जाए तो हम उसे सूरज नहीं मानेंगे। सर्दियों के वक्त सूरज कम निकलता है, कपड़े सुखाने में भी तकलीफ होती है माताओं को विशेषकर। सूरज का तेज ना हो तो सूरज तेजहीन है तो वो सूरज की श्री नहीं है, श्रीहीन है। तेज हो, धूप हो तो श्री है। तो सूरज का श्री उसका तेज है। एक वृक्ष की श्री क्या है? बोले उसके फल, उसके फूल, ये उसकी वृक्ष की श्री है। एक वाहन चलाते हैं उसकी भी श्री होती है। क्या है? कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाए, ये उसकी श्री है, वाहन की श्री है।
बोले जल की श्री क्या है? बोले जल की श्री है उसकी शीतलता। अगर जल ठंडा ना हो, गर्मी से चला हुआ व्यक्ति आया हो और उसको सुकून ना मिले तो उसको जल का स्वाद नहीं आएगा। तो जल का असली श्री क्या है? उसकी शीतलता। कहीं तप तपताती हुई आग अग्नि लगी हो और उसमें थोड़ा सा जल फेंक दो तो क्या कहते हैं? तुमने मेरी आग बुझा दी। तो शीतलता है। श्री शब्द का अर्थ है पूर्णता, कंप्लीटनेस। श्री कंप्लीट। कभी कभी लोग सम्मान देने के लिए भी श्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो श्री के साथ लोगों का सम्मान भी किया जाता है, श्रीमान। कभी कभी श्री 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 भी लगाते हैं, कभी कभी अनंत श्री भी लगाते हैं कि आपको कितना सम्मान करें, अनंत श्री महाराज की। श्री यानी पूर्णता। एक भागवत वक्ता जो व्यास है उसकी श्री क्या है? बोले भागवत वक्ता की श्री है कि श्रोताओं के हृदय में 7 दिन के अंदर कृष्ण की स्थापना कर दे, ये उस व्यास पीठ पर बैठने वाले वक्ता की श्री है, उसका वैभव है, यही वैभव है उसका। बोले एक बच्चे की श्री क्या है? बोले उसका भोलापन। अगर बच्चा शैतानी ना करे तो कहेंगे ये बच्चा, अरे थोड़ा बच्चा बनो। कई बार लोग बोलते हैं हमारे बच्चे बड़े शैतान हैं, तो मैं कहता हूं तो क्या बूढ़ी अम्मा शैतान बनेगी? बच्चे ही तो शैतान होते हैं। ये बच्चों की, बच्चों का शैतान होना ये उसका भोलापन, ये उनकी श्री है। बोले एक वृद्ध व्यक्ति की श्री क्या है? बुजुर्ग की श्री क्या है? बोले उसका अनुभव। अगर वृद्ध के पास अनुभव ना हो तो उसका बूढ़ा होना व्यर्थ है। क्या बोलते हैं बुजुर्ग? हमारा अनुभव देखिए, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, हमारा अनुभव। ये वृद्ध की श्री है। एक गृहिणी की श्री क्या है? एक गृहिणी, एक स्त्री जो घर में काम करती है, पालन पोषण करती है, बच्चों को संस्कार देती है, उस गृहिणी की, उसकी श्री है कि घर की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चले, घर में सामान सुव्यवस्थित हो, पति शाम को लौट कर आए तो कहे तुम श्रीवान हो, तुम्हारे अंदर वैभव है, इसीलिए घर में आने वाली पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहते हैं, श्री कहते हैं। क्यों? ताकि 10 बजे सोकर उठे, ताकि आलस्य में बैठी रहे, घर में भोजन ना बनाए, घर के काम ना देखे, इसलिए क्योंकि वो सुव्यवस्थित रखती है घर को। कहते हैं ये घर तभी घर बनता है जब उसमें एक स्त्री का प्रवेश होता है, वरना एक कमरा है, ईंटों का मकान है, लेकिन वो ग्रह है क्योंकि उसमें ग्रह लक्ष्मी है। तो उस लक्ष्मी, उस स्त्री, उस स्त्री की व्यवस्था, वो उसका श्री है। एक राजा, राजा की श्री है कि वो अपनी प्रजा का कितना सुंदर ख्याल रखता है, उसकी श्री। इसी प्रकार भागवत की श्री क्या है? श्रीमद् भागवतम। भागवत की श्री क्या है? यह भागवत एक ऐसा ज्ञान है जो 7 दिन के अंदर ही आपके हृदय में आपको आपसे मिलाने का काम करता है। क्या करता है बोलिए मेरे पीछे? हमको हमसे मिलाने का काम करती है, यह भागवत की श्री है। यानी आपको आत्मस्वरूप, आत्म साक्षात्कार करा सकती है, यह भागवत की श्री है। श्री मद, अगला शब्द है मद। मद का मतलब क्या है? बोले मद का मतलब है सार। और कभी कभी मतवाला व्यक्ति जब मदिरा पान करता तो कहते हैं क्या मद में हो, नशे में हो, मद में हो। जैसे उपनिषदों का सार है गीता, ऐसे वेदांत सूत्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। ये सार है। आपने 4 वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपने उपनिषद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आप वेदांत सूत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, आपने भागवत सुना है ना, आपने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ये भागवत है। इसलिए उपनिषदों का सार
बताया गया है गीता को और भागवत को वेदांत सूत्रों का सार। देखिए बड़े सुंदर तरीके से भक्त लोग भागवत का वर्णन करते हैं। जाने क्या अमृत भरा हुआ है, भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी अमृत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। सभी लोग बोल सकते ताली बजाकर। प्रश्न कर रहे हैं इस भागवत में भरा क्या है, सर पर उठाकर चलते हैं, है क्या इसमें। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। मन चमन मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत हरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब भागवत वचन हृदय में लाए। जब शोक मोह से घिर जाए, तब भागवत वचन हृदय लगाए। तब शोक वचन हृदय मेला। जब शोक मोह से घिर जाए, तब भागवत वचन हृदय लाए। कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी भागवत में। जाने क्या अमृत भरा हुआ भगवान। उसके साथ ताली बजाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि आप श्रवण के लिए आए हैं।
की अनुभव कारी है, भागवत ग्रंथों से प्यारी है, श्रुति जुगती अनुभव कारी है, भागवत ग्रंथों में न्यारी है, श्रुति जग की अनुभव कारी है, भागवत ग्रंथों से प्यारी है, श्रुति जुगती
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो हरि बोल 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 बोलो श्री राधा रमण लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधे श्याम सुंदर की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवान कृष्ण को व्रज में एक नाम दिया गया है लाला जानते लाला ठाकुर लाला जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लाल यानी लाला व्रज की माताएं गाती हैं लाला है हमारा तो लाला क्यों कहते हैं बोले जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ना बनिए उनको भी लाला जी कहते हैं ना तो लाला का मतलब क्या है जो दे दे नहीं कहता है, कहता है लाला जो कहता है लाला एक बार ऐसे एक बनिया व्यापारी था वह डूब रहा था तो एक नाविक अपना हाथ देकर कह रहा था अरे महाराज डूब रहे हैं हाथ दो वो नहीं दे रहा था तो किसी ने कहा अरे ये व्यापारी है ये देना नहीं जानता लेना जानता है बोलो हाथ लो तो ले लेगा तो उन्होंने कहा हाथ लो तुरंत ले लेगा तो लाला जी ठाकुर जी का नाम है लाला लाला का मतलब व्यापारी भी होता है जो लाला कहता है कि मुझे ला अपना अहंकार मुझे ला अपनी इच्छाएं मुझे ला आपके पास जो कुछ भी है ठाकुर जी के चरणों में डाल दो व्यापारी व्यक्ति धनवान होता है इसलिए उसे लाला कहते हैं ठाकुर जी के पास कौन सा धन है बोलते कौन सा धन नहीं है बोले नाम का धन कृष्ण के पास कितने नाम है अनंत यशोदा नंदन देवकी नंदन नंद नंदन ठाकुर जी लाला जी बांके बिहारी श्याम सुंदर राधा रमण लाल अनेकों नाम का धन
धाम, बोले ठाकुर जी के धाम अनंत हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मथुरा धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी धाम, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ, अनंत धाम, गुणों का धाम, अनंत गुण है ठाकुर जी में, अनंत गुण ठाकुर के 64 प्रधान गुण है, 64 गुणों से संपन्न, सर्व ऐश्वर्यवान ठाकुर जी रूप में अनंत है, अनंत रूप है भगवान के, कभी लक्ष्मी नारायण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी राम बनकर, कभी वराह बनकर, ठाकुर जी अनंत रूपों में अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भगवत प्रेम अनंत रूपों में अपने भक्तों के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हैं, किसी को वात्सल्य भाव में, किसी को माधुर्य भाव में, किसी के साथ दास भाव में। हनुमान जी के प्रभु राम हनुमान बन गए दास, दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी महाराज। यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम में बंध गए रस्सी से, वात्सल्य दास, वात्सल्य प्रेमी। श्री राधा रानी के माधुर रस के प्रेमी, अनेक अनेक संबंध, लकुटी, बछड़े, गैया, सबसे ठाकुर जी का प्रेम, अनंत प्रेम, भगवत प्रेम। कौन सा धन है जो ठाकुर जी के पास नहीं है? लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र लक्ष्मियां, एक नहीं हजारों हजारों लक्ष्मी ठाकुर की सेवा में है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हजारों हजारों लक्ष्मी ठाकुर की सेवा में लगी हैं। इंसान जीवन में एक लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए दीपावली बनाता है, लेकिन वो कृष्ण को अगर प्रसन्न कर ले, तो अगर स्वामी की दास हजारों लक्ष्मी हैं, तो क्या भक्त की दास हजारों लक्ष्मी नहीं हो जाए? अगर मर्सिडीज का मालिक एसी में बैठता है, तो क्या उनका सेवक मर्सिडीज में नहीं बैठता? अगर मालिक ड्राई फ्रूट खाता है, तो क्या सेवक ड्राई फ्रूट नहीं खाता? लेकिन जो ड्राई फ्रूट खाने वाला सेवक है, अगर कभी बोले कि मैं भी मालिक हूं मर्सिडीज का, तो चोर कहलाएगा। हमने अपने आप को मालिक बनाने की जो ये दौड़ है ना इस संसार की, हम मालिक हैं, यही हमारी गलती है, इसीलिए हम तड़प रहे हैं जन्म मृत्यु चक्र में। केवल ठाकुर जी का दास बनना है, दास बनेंगे तो उदास नहीं रहेंगे। कृष्ण दास बिन दास, माया दास सदा उदास। चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी हरि कथा सुनने के बाद भी, क्यों? बोले माया के दास हैं, इसलिए उदास हैं, पंकज उदास हैं। लेकिन कृष्ण के दास बनेंगे तो बिंदास बनेंगे, हर परिस्थिति में मुस्कुराएंगे, प्रेम से प्रसन्न होंगे, और ठाकुर जी का कीर्तन सुनने पर हाथ शॉल में नहीं रहेंगे, निकल कर आएंगे, ताली बजेगी, नाचेंगे, उन्मत्त कीर्तन होगा, नृत्य होगा, महारास होगा। अरे ये रासस्थली है जहां ठाकुर जी विराजमान है, कि हम बैठे रहेंगे कुर्सी पर फेविकोल लगा के? क्योंकि अभी हम माया से जकड़े हुए, मेरी इमेज कॉन्शियस हूं। लोग क्या बोलेंगे? बोले पहले था सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग यही, अभी आजकल एक रोग इसके ऊपर आ गया है, सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, मैं अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कृष्ण गीता में कहते हैं अहंकार में व्यक्ति को लगता है मैं ही तो करता हूं, आई एम द डूअर, लेकिन वो करता नहीं है। अहंकार विमूढ आत्मा, अहंकार में लगता है कि मैं करता हूं, करता कौन है? हां जी, कौन करता है इस संसार का करता कौन है? भगवान। क्या आप, एक सांप जा रहा था, लाठी उठाकर सांप को मार दिया, किसने मारा, व्यक्ति ने या लाठी ने?
हाँ जी लाठी ने, पर लाठी तो अपने आप चल नहीं सकती, व्यक्ति ने मारा पर बिना लाठी के मारेगा कैसे, दोनों की जरूरत है। तो भगवान हमें निमित्त बनाकर हमारे कार्यों को पूर्ण करते हैं, लेकिन लाठी को यह पता होना चाहिए कि जब तक व्यक्ति के हाथ में ना जाऊं तो चलूंगी नहीं। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता, लेकिन अर्जुन को इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार हुआ तो ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं को समाप्त करने के बाद एक भील का रूप रख करके सभी जितनी द्वारका की 16,108 रानियां थी सबका अपहरण कर लिया। पुराणों में कथा आती है, अर्जुन को सेवा दी थी कि मेरी सभी रानियों को ले जाकर ये भागवत कथा सुनाना गोवर्धन पर, सखी स्थली पर। जब ले जा रहे थे अर्जुन, रास्ते में भील आए, भीलों ने आक्रमण करके सभी रानियों का अपहरण कर लिया। अर्जुन गांडीव चलाते रह गए, एक भी रानी को बचा ना पाए, बड़ी ग्लानि से भर गए, मेरा गांडीव आज काम क्यों नहीं करता। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। आपकी शक्ति काम नहीं करेगी जब ठाकुर जी नहीं चाहेंगे। बड़े बड़े बॉक्सर अंतकाल में पैरालाइज्ड हो गए। आज हमें अपने शरीर का घमंड हो सकता है, अपने ज्ञान का हो सकता है, अपने बल का, अपने धन का, लेकिन ठाकुर जी ना चाहें तो कुछ भी रहने वाला। राधा रानी जब कृष्ण के इतने गुणों को श्रवण करती हैं तो उनकी हृदय के अंदर इतना प्रेम उमड़ता है कि वह ठाकुर जी के कीर्तन का, उनके दर्शन का रसपान करके मदमत्त होती हैं। इसीलिए राधा रानी का नाम है श्री, और जब कृष्ण लीला को सुनती हैं तो मद से भर जाती हैं। तो भागवत के नाम के आगे आता है श्री मद भागवतम। प्रेम रस में डूबी हैं राधा रानी, प्रश्न करती हैं ये कौन है, जाने कितना सुंदर ये व्यक्ति है, इससे मेरे को आकर्षण होता है। ललिता कहती है, अरे ये कृष्ण है। वेणु सुन ली, बोले अरे मैंने बांसुरी सुनी है, कौन है? कहा ये हमारे ही वृंदावन में वेणु बजाने वाला एक सुंदर वेणु वादक कृष्ण है। गौचरण करते देखा, बोले कितनी सुंदर चाल है, कितना सुंदर है, मैं इसके प्रति आकर्षित हूं। राधा रानी कहती हैं, ललिता न जाने क्या हो गया मेरे हृदय के अंदर कि अब मैंने एक साथ तीन पुरुषों से प्रेम कर लिया है। जिसकी गौचरण लीला देखती हूं उसको भी प्रेम करती हूं, जिसकी वेणु सुनती हूं उसको भी प्रेम करती हूं, और जिसका स्वरूप देखती हूं उसको भी प्रेम करती हूं। तो ललिता कहती हैं, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है राधा रानी, क्यों? कहा तीनों पुरुष एक ही हैं, कृष्ण। लेकिन राधा रानी कहती हैं, ना 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 ना, ये वो कृष्ण नहीं है जो आज गोवर्धन उठाए हुए, वह कृष्ण नहीं है। राधा रानी को कृष्ण हर रोज एवर फ्रेश न्यू लगते हैं। आपने भागवत को हजारों बार देखा हो, सुना हो, किया हो, पढ़ा हो, लेकिन जब भक्त, जो प्रेमी है, रसिक है, वो बैठता है तो उसको लगता है आज कुछ नया है, ये प्रेम है। राधा रानी को कृष्ण हर रोज एवर फ्रेश न्यू लगते हैं, ये उनका उनका प्रेम है, उनका आकर्षण है कृष्ण के प्रति। इसलिए भागवत जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाती है उससे पहले श्री राधा रानी के लिए श्री लगाया गया और उनके प्रेम के लिए मद लगाया गया। और यही राधा रानी की कृपा है कि हम, हमारे जैसे बद्ध जीव जो कभी कृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकते थे, वो आज सूरजमल विहार में बैठ करके ग्रंथ अवतार रूप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत भ ग व
तो चार अक्षर है। भा से क्या अर्थ है? बोले भा से अर्थ है भक्ति। ये भागवत हमको क्या देगी? कोई भी सामान में प्रोडक्ट लेने जाते हैं बाजार में, कोई भी एक जाते हैं सामान में, सामान खरीदेंगे तो उसका उपयोग क्या है? फोन लिया उपयोग क्या है, कैमरा लिया उपयोग क्या है, भागवत का उपयोग क्या है, क्या मिलेगा? बोले भा ग व त। बोलिए भा ग व त। चार अक्षर मिल जाने वाले हैं आप सबको जो भी ध्यान से सुनेंगे। पहला है भ यानी भक्ति। ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति दुकान पर सामान खरीदने जाता है तो प्रश्न करता है, इस दुकान का सबसे अच्छा सामान दिखा दीजिए, तो दुकानदार सबसे अच्छी जैकेट या स्वेटर या टोपी या जो भी दिखाता है। ऐसे अगर कृष्ण से पूछा जाए कि आप संसार के लोगों को दुखों से दूर करते हैं, धन धान्य देते हैं, सुख संपदा देते हैं, अगर आपके पास सबसे अच्छी चीज देने के लिए है तो कौन सी चीज आप देना चाहेंगे कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में सारे संसार के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज जो है वो है भक्ति। मैं भक्ति देना चाहूंगा अपने भक्तों को, लेकिन वो मैं देता नहीं इतनी सरलता से। श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे वृंदावन के आचार्य षड गोस्वामी वृंद सुंदर श्लोक गाते हुए कहते हैं, इस भक्ति को प्राप्त करने की विधि क्या है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते। बाजार में सामान खरीदने गए, अच्छा सामान खरीदा, तो दूसरा प्रश्न क्या उठता है? कितने का है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? ये वाला 10 का, ये 20 का, सबसे अच्छे वाला? बोले ये महंगा होगा, कितने का है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर सबसे अच्छी भक्ति है तो भक्त पूछता है, प्रभु कितने की है, कैसे मिलेगी? तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम जन्म कोटि सुकृतो न लभ्यते। ऐसा हो जाए कृष्ण कि बस आपके अंदर मेरी मति लग जाए, कृष्ण भक्ति रस भावितः मति, मेरी मति में सदा भगवान रहे, ये संसार, ये टेंशन, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन सब दूर हो जाए कृष्ण, ऐसा कैसे होगा? कृष्ण भक्ति रस भावितः मति कृत्याम यदि कुतो अपि लभ्यते, अगर मैं पाना चाहूं तो कैसे मिलेगी? तो रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण की मंजरी, रूप मंजरी कहती हैं, तत्र लौल्यम अपि एक केवल, एक ही चीज है लौल्यम। भगवान को पाने का क्या रास्ता है? स्वर्ण चाबी क्या है? कैसे मिलेंगे भगवान? अगरबत्ती से, परिक्रमा से, दान से, पुण्य से, कैसे मिलेंगे? बोले लौल्यम से मिलेंगे। लौल्यम क्या है? लौल्यम बोले करोड़ों करोड़ों जन्मों में तुमने दान पुण्य किए होंगे ना, भंडारे, जन्म कोटि सुकृत और अपि लभ्यते, तब भी तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले लौल्यम अपि एव केवलम। लौल्यता, लौल्यम क्या होता है कौन बताएगा यहां पर? लौल्यम क्या होता है? लौल्यम, हाँ जी, एनीबडी? लालसा, भगवान को पाने की लालसा, लौल्यम होता है लालसा। जैसे बड़ा मकान बनाने की लालसा आती है ना मन में, बच्चे को अमेरिका भेजने की लालसा आती है ना मन में, ऐसे कृष्ण को पाने की लालसा है? नहीं है तो नहीं मिले, और है तो इन्हीं 7 दिन में मिल जाएगा लालसा। बोले कैसी लालसा?
बोले जब कोई व्यक्ति किसी को पानी में डुबोता है, आपको पानी में डुबोया जाए, तो आप कितना प्रयास करेंगे अपने को उस पानी से बाहर निकलने के लिए। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, बताओ अगर मैं तुम्हें पानी में डुबाऊं तो कितना प्रयास करोगे? बोले गुरुजी इतना प्रयास करूंगा कि आपको भी धक्का दे दूंगा। गुरुजी बोले मुझे भी धक्का देगा और मैं तुझसे बलशाली होकर तुझे और दबाऊं तो? बोले गुरुजी रोम रोम से आवाज आएगी, छोड़ दो, मुझे माफ करो, जाने दो। बोले बस जिस दिन रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन निकलने लगे, रोम रोम से लालसा होगी, बस अब जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, तभी भगवान प्राप्त होते हैं, अन्यथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों से भी भगवान मिलने वाले। कैसे मिलेंगे? बोले दूध में से दही बनता है और दही से मक्खन बनता है। मक्खन तो निकाला होगा आप लोगों ने, दही से निकालते हैं ना मक्खन, दूध से दही, दही से मक्खन। दूध है, अभी यहां पर सब बैठे हैं और न जाने कितने ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं, ये दूध के रूपी कृष्ण कथा की धारा बह रही है, आप इसे ले लीजिए कानों के माध्यम से, आ गई। अब कुछ दिन इसे संभाल कर रखिए और इसमें दूध को अगर दही बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मनीष जी दूध को दही बनाना हो जामन खट्टा डालना पड़ेगा। ऐसे ही हरि कथा के श्रवण होने के बाद जो दूध इकट्ठा होगा ज्ञान का, उसके अंदर थोड़ा नियम का दही डाल दो कि अब मैं रोज भगवान की माला जपूंगा, अब मैं रोज भगवान की भागवत पढ़ूंगा, अब मैं रोज भागवत श्रवण करूंगा। ये नियम डालने से वह दूध जो सुना है आपने हरि कथा का, नियम से दही बन जाएगा। दूध जल्दी गिरता है, अगर किसी कटोरी में दूध हो तो जल्दी गिरता है और दही हो तो जल्दी नहीं गिरता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी भक्ति हृदय में स्थापित हो तो उसमें नियम का दही डालिए। नियम बनाइए अपने जीवन के, कुछ नियम, हर व्यक्ति का एक नियम होना चाहिए। सुबह उठ करके ठाकुर जी का स्नान कराना, ध्यान करना, जप करना, अध्ययन करना, जो भी नियम। बोले ये नियम करते करते जब निष्ठा आती है तब ये दही मक्खन बन जाता है, और जब मक्खन बन जाता है तो भगवान कृष्ण का एक नाम है मक्खन चुराने वाले, क्या नाम है? अगर आपकी भक्ति की निष्ठा से ऐसी मक्खन बन गया ना, तो फिर आपको कृष्ण के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण घर आकर के चुरा कर लेकर जाएंगे आपका मक्खन, चुरा कर। ये प्रेमा भक्ति है, इसमें संबंध स्थापित करना पड़ता है। आज तक जिसने भी भगवान को पाया है संबंध के माध्यम से पाया है। संबंध का मतलब क्या है? बोले संबंध का मतलब है रिलेशन। वृंदा माता जी की बेटी है, उनसे रिलेशन है, संबंध। बेटी के बच्चे हैं, उनसे संबंध है। बेटे हैं, बेटे को बच्चों से संबंध है। कृष्ण का क्या संबंध है? भगवान है, अरे भगवान तो है। सबके घरों में बच्चे हैं, बोले ये कौन सा बच्चा? बोले ये बेटी का बच्चा। नाम क्या? बोले नाम कुछ नहीं, बच्चा। ये बुआ का बच्चा, ये दादी का बच्चा, ये बुआ का बच्चा, चाची का बच्चा। ऐसे बच्चे बच्चे कितने बच्चे हो जाएंगे, लेकिन सबके एक नाम है क्योंकि सबसे एक संबंध है। बुआ, चाची, ताई, मामी, संबंध। भगवान के साथ क्या संबंध है? संबंध विहीन कभी भक्ति बढ़ेगी नहीं आगे। भक्ति की प्रारंभ अवस्था है संबंध, संबंध ज्ञान, रिलेशन। और रिलेशन के लिए इमोशन चाहिए, विदाउट इमोशन नो रिलेशन। बुआ बीमार होती है तो टेंशन होती है, माँ बीमार होती है तो टेंशन होती है, कृष्ण भूखे होते हैं तो क्या टेंशन होती है? अगर है तो वो इमोशन है, और इमोशन है तो रिलेशन है, रिलेशन है तो डिवोशन है, तो डिवोशन है, तो भक्ति है। अगर रिलेशन नहीं है, इमोशन नहीं है, तो डिवोशन नहीं है। मूर्ति लाकर रखना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान से संबंध स्थापित करना। रिलेशन विद इमोशन दैट गिव्स यू डिवोशन।
आपको एक एक संबंध स्थापित करे भगवान। मीराबाई ने ठाकुर जी से संबंध बनाया, क्या क्या संबंध बनाया? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोही, मेरे तो गिरधर गोपाल। लालचन लगाए गए, पता नहीं किस पुरुष से संबंध बना लिया है। पति तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा राणा जी आपके पीछे किसी से बातचीत करती है, कहा जहर पिलाएंगे, अगर जहर पीकर बच गई तो ठीक है, लेकिन अगर मर गई तो अच्छा है। लेकिन मीराबाई हृदय के अंदर रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। अगर आपको भक्ति के लिए भगवान के लिए जहर पीने को बोला जाए पिएंगे, अरे जहर तो दूर, नाचने के लिए बोला जाए तो नाचेंगे भी नहीं, जहर पी सकते हो। हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा, हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे बाई, हंसते हंसते पी गई। मीरा बाई ने कहा एक ही उपाय है, अगर जहर पीकर मैं बच गई तो मेरा धाम वृंदावन, तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तो तुम्हारे लिए तो मैं मर ही चुकी हूं। कहा ठीक है पियो तो, लेकिन पीकर बच गई। और जब बच गई हंसते हंसते जहर पीकर के, तो सीधा एक ही निर्णय लिया, ठाकुर जी को उठाया और वृंदावन चली गई, अपना घर त्याग किया, राजस्थान के चलते चलते श्री वृंदावन धाम पहुंच गए। आज भी श्री वृंदावन धाम में वो स्थली है जहां मीराबाई ने ठाकुर जी का निरंतर अहिर्निश दिन रात भजन किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो सोही, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति धाम के हुए श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त हुए हैं। ठाकुर जी ने उनके लिए अपने स्वरूपों को प्रकट किया है। वृंदावन लोग जाते दर्शन करने, राधा रमण लाल जी जा रहे हैं, कभी बांके बिहारी जा रहे हैं, आप तो केवल दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। जिन्होंने भक्ति का आनंद प्राप्त किया उनके लिए ठाकुर जी आते हैं।
हमारे आचार्य पाद कहते हैं ऐसी भक्ति करो कि ठाकुर जी को भी लगे कौन इतनी भक्ति कर रहा है, चलो देख करके आओ। तो हमें भगवान को देखने की लालसा से अधिक ऐसी सेवा करो कि ठाकुर जी को आपको देखने की लालसा उत्पन्न हो जाए, इतना नाम जप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यह भक्ति का अर्थ है, भ से भक्ति है और भागवत के ग से ज्ञान है। जीवन में ज्ञान का मतलब लोग सोचते हैं नॉलेज, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, बोले ज्ञान प्राप्त होता है जिज्ञासाओं से। भक्ति प्राप्त होती है लॉलियम से, ज्ञान प्राप्त होता है जिज्ञासाओं से। अगर आपके मन में प्रश्न ना हो तो कौन उत्तर देगा? अगर अर्जुन प्रश्न ना पूछते तो कृष्ण उत्तर ना देते, और कृष्ण उत्तर ना देते तो संसार को भगवत गीता ना मिलती। अगर परीक्षित प्रश्न ना पूछते तो सुखदेव उत्तर ना देते, सुखदेव उत्तर ना देते तो श्रीमद् भागवत नहीं होता। तो हमारे शास्त्रों में संवाद है, क्या है? संवाद, चर्चाएं हैं ठाकुर जी की जिनसे यह सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। भागवत क्या ज्ञान दे सकती है? भागवत का ज्ञान बोले आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं यह ज्ञान भागवत देगी। आप जानते क्या अपने आप को? कितने लोग हैं अपने आप को जानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए हु आर यू, इस सेंटेंस का उत्तर दे सकते हैं? नहीं जानते आप लोग क्या आप कौन हैं? आप जाते हैं शादी विवाह में, संसार में मिलते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है ना आपका, क्या मैं जानूं क्या शुभ नाम, कौन हैं आप, अपना विवरण दीजिए, व्याख्यान कीजिए, बताइए कौन हैं आप, तो बताते हैं कि नहीं। तो मैं प्रश्न पूछता हूं, आप शरीर है उसमें एक आत्मा रहती है या आप एक आत्मा है जिसमें शरीर रहता है? क्या है? आत्मा है जो एक शरीर के अंदर रहती है या आप एक शरीर है जो इसके अंदर एक आत्मा रहती है? क्या है आप, क्या है? कितने लोग कहते हैं हम आत्मा है जो एक शरीर में रहती है? ओके, देयर फ्यू, ये वाले लोग। अच्छा ठीक है, अभी हाथ नीचे करेंगे। कितने लोग कहते हैं हम शरीर हैं और हमारे अंदर आत्मा रहती है? हाथ दिए ना ठाकुर जी ने, थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा कथा के अंदर, ये नियम है। प्लीज रेज योर हैंड्स। आप लोग आज शरीर भी नहीं आत्मा भी नहीं, तो कौन है? भूत प्रेत। आप शरीर हैं, आपके अंदर एक आत्मा रहती है, ऐसा मानने वाले एक, एक, एक हमारा एक विंग है जो ये कहता है हम शरीर हैं और आत्मा रहती है, और एक विंग है जो ये कहता है कि हम आत्मा है और हम एक शरीर में रहते हैं। एंड इज प्रूवन बाय द साइंस, क्योंकि यहां पे कुछ युवा भी हैं इसलिए हम बता रहे हैं। नासा साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी प्रूवन इट दैट लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। यू कैन रीड अबाउट डॉक्टर टी डी सिंह, अ साइंटिस्ट फ्रॉम नासा हु हैज रिटन बुक्स कॉल्ड साइंस रियलाइजेशंस, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ।
तो ये जो मैटर वैटर का ज्ञान हमने ले रखा है ना, फिजिक्स का साइंस का, बोगस ज्ञान है। आई हैव मैनी मेडिकल स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे डॉक्टर स्टूडेंट्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो इस ज्ञान को लेते हैं। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, जब वो भागवत का ज्ञान सुनती है वो हैरान। भागवत कोई कहानी किस्से की किताब नहीं है, ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को जानने का ज्ञान है। तो भागवत का ज्ञान का अर्थ है कि मुझको मुझसे मिलाती है, मुझको मुझसे मिलाती है कि मैं कौन हूं। एक बार एक अंग्रेजी साइंटिस्ट, विदेशी थे, विदेश से घूमते घूमते भारत आए, जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में रुके थे, भारत को जानते नहीं थे, विदेश से आए थे रिसर्च करने के लिए आए थे। जैसे मैं एक रिसर्च स्टूडेंट रहा हूं, मैंने बहुत फार्मा रिसर्च किया है विदेशों में, लेकिन रिसर्च करते करते ही समझ में आया कि जिसकी मैं एनाटॉमी रिसर्च कर रहा हूं, इस शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कौन सा ऐसा केमिकल है जिसके मिस हो जाने पर कहा जाता है कि व्यक्ति डेड हो गया? अगर वो केमिकल के कारण है तो केमिकल डालकर उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तो मैं तो डॉक्टर्स को प्रीचिंग करता हूं, चाहे वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट हो, वहां पर भी मैं जाता हूं, डॉक्टर्स को प्रीचिंग करता हूं, बताता हूं कथाओं के माध्यम से, साइंस मैंने खुद पढ़ी हुई है। और आत्मा के ज्ञान को जब भागवत से पढ़ा तो समझ में आया शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर पाकर के इस शरीर का दुरुपयोग कर दिया, मिस यूटिलाइजेशन। तो शास्त्र युक्ति कहती है ईश्वर कौन है, इसका ज्ञान भागवत देती है। मैं कौन हूं, इसका ज्ञान देती है। और तुम दूसरों को कितना जानते हो, जिसे तुम कहते हो ना रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, माय कलीग्स, माय सबॉर्डिनेट्स, अंत में कोई काम आने वाला, जब लग पैसा हाथ में तब लगता को यार। जब तक हाथ में पैसा है तब तक मित्र मंडली है, जब लग पैसा हाथ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, बोलेंगे भी नहीं कैसे हो। तो इस बात को रिसर्च करने के लिए एक व्यक्ति विदेशी भारत में आया, उसकी गाड़ी का पंचर हो गया। तो रात में खड़ा था बाहर और ड्राइवर पंचर चेंज कर रहा था गाड़ी का व्हील पहिया, आवाज आती है हु। तो उसने कहा आई एम निट्ज़े हु, आई एम साइंटिस्ट हु, आई एम फ्रॉम अमेरिका हु। पिताजी का नाम तो जानता नहीं था, तो चुप हो गए। ड्राइवर से कहता है कौन है जो मुझे बार बार पूछता है हु हु हु, कौन कौन कौन? मैं जब जवाब देता हूं तो जवाब नहीं देता। अरे साहब ये तो उल्लू बोल रहा है हु हु, रात को जल गए। लेकिन इस उल्लू की ध्वनि सुनकर के इस वैज्ञानिक के हृदय में एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं कितना बेकार हूं, मेरी लाइफ रिसर्च करते करते बेकार चली गई, मैं ये भी ना जाना कि मैं कौन हूं। तो उसने अपने ड्राइवर से कहा अगर मुझे ये जानना हो कि मैं कौन हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। ड्राइवर भारतीय था, वो ले जाकर के एक मंदिर ले गया, उस मंदिर में जाकर के बैठा दिया, बोले कि यहां शायद आपको ये पता चल जाए। वहां पर एक बड़े प्रकांड विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण थे, ज्ञानी पुरुष थे, भक्त थे। उनसे पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा देखो मैं बता तो सकता हूं लेकिन तुम समझो कि कितना, ये तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। मैं बता तो सकता हूं, तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। डॉक्टर ने दवाई लिखकर दे दी, सुबह दो बार, शाम को दो बार, मंगलवार को इतनी और बुधवार को इतनी, लेकिन तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी काया निरोगी नहीं होगी, खाना तो तुमको पड़ेगा। उसने कहा मैं श्रद्धा से सुनूंगा। और उसी यात्रा में अपने को समझते समझते वो भगवत भक्त बन गया और भगवान कृष्ण का भजन करने लगा।
हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए तो राम जी ने कृपा करकर उन्हें अपना वरद हस्त प्रदान करके हनुमान को अपना दास घोषित किया, आज से तुम मेरे दास कहलाओगे, राम का दास हनुमान। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम सदा रघुपति के दास रहो, यह राम रसायन, रसायन मींस केमिकल, यह केमिकल तुम्हारे पास है हनुमान, तुम्हारा जो भक्त बन गया वो मुझे पा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो केमिकल है, डिवोशनल केमिकल, वो तुम्हारे पास वो पदार्थ है जिससे तुम भक्ति प्रदान कर सकते हो। कौन सी भक्ति? बोले राम की भक्ति, राम का दास। राम जी ने कहा जाओ रावण के पास, रावण के पास गए, रावण ने पूछा ए वानर कौन है? कहते हैं मैं राम का दास हनुमान। दास नौकर है, नौकर है, दास मतलब दास वर्ड मीन्स लोग सोचते हैं सर्वेंट, नौकर, दास सरकारी नौकर नहीं है, प्राइवेट कंपनी का पियोन नहीं है, भगवान का दास बनना मतलब बिंदास बनना। हनुमान ने कहा रावण से मुझे नौकर कहता है, मेरे दासता पर हंसता है, मैं बताता हूं तू कौन है। कहा रावण तू धन का दास है, तू धन का दास है, तू अपने नाम का दास है, तू स्त्री के काम का दास है, लेकिन मैं राम का दास हूं, मैं राम का दास। तो नौकर तो तू भी है, लेकिन तू नौकर है अपनी काम वासनाओं का, तू नौकर है लालच का, तू नौकर है अपने नाम का, लेकिन मैं नौकर हूं राम का। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। 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 तू भगवान का दास बनने में बड़ा भलाई है। हनुमान जी ने आग लगाई, लंका जलाई, लेकिन हनुमान जी नहीं जले। क्यों? क्यों नहीं जले? बोले राम जी का दास सारी दुनिया है, और राम जी का दास होकर के अग्निदेव जो भगवान का दास है, क्या भगवान के दूसरे दास को मरमत कर सकता है, हर्ट कर सकता है? इसलिए भगवान का दास निर्भय होता है, निर्भीक होता है, निडर होता है। भगवान के दास को कोई डर नहीं लगता है। जिनको डर लगता है मैं नाचूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ताली बजाऊंगा तो लोग हंसेंगे, हाय हाय मेरी इमेज का क्या होगा, इसका मतलब वो अपनी इमेज का दास है, चाहे वो अपने को मालिक कहता। अगर दास ही बनना है तो माया का क्यों, कृष्ण का क्यों, राम का क्यों? बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। यह है ज्ञान। ग वा से वैराग्य की प्राप्ति होती है। भागवत श्रवण वैराग्य प्रदान करती है। वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य अनुभव से प्राप्त होता है। वैराग्य पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, वैराग्य अनुभव से प्राप्त होता है। विभीषण को जब रावण ने घर से निकाल दिया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। भाई इन्हें लात मारी है, प्रहलाद को पिता ने लात मारी है, ध्रुव को मां ने लात मारी है, धृतराष्ट्र को विदुर भाई ने लात मारी है। हमेशा वैराग्य अनुभवों से उत्पन्न हुआ है, और जिनको लात नहीं पड़ती ना उनको वैराग्य आता भी नहीं। तो वैराग्य पाने हेतु
जीवन में या तो बात लग जाए, किसी की गहरी बात लग जाए कि अरे प्रभु जी ऐसा बोल गए आज तो बदलूंगा अपने जीवन को, या तो बात लग जाए या तो किसी की लात लग जाए, बस वरना मेरा गाता नहीं। एक बहुत सुंदर कथा आती है शास्त्रों में, एक बहुत बड़े उज्जैन के साधु थे, उन्होंने बड़ी तपस्या करके एक फल प्राप्त किया, उस फल का नाम था अमर फल, जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। अमर फल जब प्राप्त हुआ उस साधु को, साधु ने कहा मैं क्या करूंगा इस अमर फल का, अपने राजा को जाकर देता हूं। राजा कौन थे? बोले उस समय उज्जैन के राजा राजा भर्तृहरि थे। सुना है आपने भर्तृहरि? राजा भर्तृहरि को जाकर साधु ने फल दिया, बोले राजा जी आपके लिए अमर फल, इसे खाइए अमर हो जाइए, आपके जैसा राजा अमर रहे, जय हो राजा जी। राजा ने उस अमर फल को अपनी रानी को दिया कि रानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम अगर अमर रही तो मैं संसार का भोग कर सकूंगा, इसलिए ये अमर फल मैंने अपनी रानी को दिया। रानी ने राजा को धन्यवाद कहा, राजा जी आप इतना प्रेम करते हैं मुझे अमर फल दिया है। रानी ने वो फल ले जाकर के वहां पर एक घोड़ा चलाने वाला सेनापति था जो कि रानी से धन लेता था और उसे सुख देता था, तो उस रानी ने अपने सेनापति को घुड़सवार को चीफ आर्मी उसको फल दिया, कहा तुम हष्टपुष्ट रहो अमर रहो तो मुझे सुख मिलता रहेगा, राजा पे तो समय ही नहीं है। उस सेनापति ने उस अमर फल को ले जाकर के एक नृत्यकी थी नाचने वाली, उस नृत्यकों को दिया, बोले तुम इतना सुंदर नाचती हो अगर तुम रही तो मुझे आनंद की अनुभूति होती रहेगी, ये फल मैं तुम्हें देना चाहूं। साधु ने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने सेनापति को दिया, सेनापति ने नृत्यकी को दिया। अब नृत्यकी सोचने लगी मैं तो सोचती थी कि जीवन मेरा व्यर्थ है जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन ये राजा बड़े अच्छे हैं जिनके कारण मैं इस राज्य में रहती हूं, तो ये फल ले जाकर राजा को ही देती हूं। फल ले जाकर राजा के सामने खड़ी बोली राजा आपके लिए कुछ लाई हूं। राजा बोले कौन सी भेंट लाई हो? अमर फल। ये अमर फल तुम्हारे को कैसे मिला? कहा मुझे सेनापति ने दिया। सेनापति तुम्हें अमर फल किसने दिया? अब चुप बोल दे कि रानी ने दिया है तो रानी की गर्दन काटी जाएगी, और बोल दे झूठ तो उसकी गर्दन काटी जाएगी। घबरा गया, 7 दिन तक कोठरी में बंद रखा। 7 दिन बाद काल कोठरी में राजा ने पूछा तुम्हारी गर्दन कलम की जाए या उत्तर बताते हो, ये फल कहां से मिला? बोला महाराज क्षमा कीजिएगा पर आपकी रानी ने ही मुझको ये फल दिया। रानी ऐसी लात लगी कि उसी समय वैराग्य उत्पन्न, घर बार छोड़ करके जंगल को चले गए। जब तक राजा जीवित थे भर्तृहरि, उन्होंने नीति शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जिया जाए सिखाया गया। जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था श्रृंगार शतक, जिसमें श्रृंगार कैसे पत्नी के साथ प्रेम किया जाए इसके बारे में वर्णन था। लेकिन जब लात लगी तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वैराग्य शतक। 100 पद लिखे, 100 sentences वैराग्य के लिए, जिसमें कहते धिक्कार है वो रानी जिसको मैं प्रेम करता था, धिक्कार है वो सेनापति जिसको मैं धन देता था, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, और अंत में कहते हैं धिक्कार है मुझे अपने आप पर जो इस संसार को अपना मानता रहा, धिक्कार है थू है। वैराग्य उत्पन्न। गौतम को वैराग्य उत्पन्न हुआ था, बुद्ध बन गए, निकले थे सिद्धार्थ। पिताजी को आकर ज्योतिषी ने कहा इनको बाहर मत ले जाना, कभी बाहर ले गए बाहर का दर्शन कर लिया
तो ना जाने वैराग्य आएगा। 13 वर्ष के सिद्धार्थ सेनापति को बोलकर निकल गए रथ पर सवार होकर। छोटा सा बच्चा देखा, बोले सेनापति सारथी ये क्या है? बोले ये बच्चा है। ये बच्चा क्या होता है? बोले हर जीवात्मा को इस संसार में पुनरअपि जननम आना पड़ता है, या बच्चे का रूप लेना पड़ता है। अच्छा, आगे गए देखा अर्थी जा रही है, बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। बोले ये क्या है? बोले हर व्यक्ति जो बच्चा होता है उसको एक समय बूढ़ा होना पड़ता है। अर्थी जा रही थी, बोले ये क्या है? बोले जो बूढ़ा होता है उसकी अंतिम गंतव्य यही है कि उसको अर्थी पर होकर के सवार जाना पड़े। सिद्धार्थ बोले जल्दी ले चलो घर की ओर। बोले क्यों? बोले जिस जीवन के लिए बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, उस जीवन में जीकर के करेंगे क्या? उसी समय वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो आज बुद्ध माने जाते हैं, बुद्ध। तो वैराग्य भागवत देती है, भक्ति का ज्ञान वैराग्य प्रदान करता है। इस संसार में रहो लेकिन संसार के होके मत रहो। जैसे एक कमल पुष्प पानी में रहता है लेकिन पानी में नहीं रहता है, एक बूंद पानी की टिक नहीं सकती है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ छू नहीं सकती है, ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी वैसे रहना। न जाने कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। कोरोना काल में इतने लोगों का समाप्त हुआ, लेकिन हमें मौका मिला है इस भागवत के रस आस्वादन का। हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, जितना हो सके पेपर पेन लेकर बैठ जाएं और हाथ से लिखते रहें, नाम बोलते रहें, कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलना चाहिए भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम उच्चारण पर भी नहीं बोल पाए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। जान पूछ कर विष खा लोगे अगर मनुष्य शरीर पाकर भजन नहीं किया। तो वैराग्य उत्पन्न कराती है यह भागवत। अभी यहां पर अगर किसी मंत्रीगण को बुलाया जाए तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे आएंगे, हमारा नाम मंत्री जी, हमारा भी नाम। अनाउंसमेंट सबको चाहिए लेकिन रिनाउंसमेंट किसी को नहीं चाहिए। असलियत में भगवान की प्राप्ति रिनाउंसमेंट में है, अनाउंसमेंट में नहीं। सो ट्राई टू बी रिनाउंसिएट, वैराग्य लाओ अपने हृदय के अंदर। और ता भागवत का आखिरी अक्षर है ता, ता का मतलब है त्याग, और ये त्याग संकल्प से आता है, डिटर्मिनेशन, संकल्प बुद्धि। क्या संकल्प करें? जीवन में संकल्प करना चाहिए कि अब मैं भागवत भक्त बनने जा रहा हूं, 2024 से अब मेरी यात्रा शुरू होने वाली। तो क्या नियम लूंगा? बोले नियम लूंगा, संकल्प लूंगा। तजियो हरि विमुखन को सं। श्री तुलसीदास कहते हैं जीवन में अगर छोड़ना है तो किसको छोड़ो? तजियो श्री हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं त्यागना है तो किसको छोड़ो? जो हरि विमुख है उनको छोड़ दो। तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख हैं उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख होना चाहिए। असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। इस
सत्संग का जितनी जल्दी त्याग हो जाए उतना अच्छा है। जो लोग संसारी बातें करते हैं उनसे जितनी आप बात करोगे उतना भगवान से दूर हो जाओगे, और जितना भगवान की बातें करोगे उतना भगवान के नजदीक हो जाओगे। तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग। तो हरि विमुख लोगों का संग त्यागेंगे, यह त्याग भागवत सिखाती है, संकल्प लेना है, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। जाके प्रियानम राम विदेही, जाके प्रियानम राम विदेही। जिनको भगवान से प्रेम ना हो ना उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। बोले जो श्याम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जाके प्रियानम राम विदेही, जाके प्रियतम राम विदेही, तजियो बैरी कोटि सं। उसे अपना बैरी समझकर त्याग देना चाहिए। तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने दिल से जरा भगवान का नाम पुकारिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जियो
को संग तजियो हरि विमुख हरि को संग चाहे परम स्नेही हरि मन को सम तजियो हरि मन को सम। तो त से त्याग। तो आज दो घंटे में तो आपने यह जाना श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। भागवत कथा तो 18,000 श्लोक 335 अध्याय बहुत लंबा ग्रंथ है। अगर इसकी पूर्ण व्याख्यान करने बैठे तो या तो मैं नहीं रहूंगा या तो आप नहीं रहेंगे। तो 18,000 श्लोक 7 दिन में पूर्ण करना असंभव है। इसीलिए भागवत कथाओं में हर बार नए विषयों को चुना जाता है। एक ग्राफिकल डिजाइनिंग नहीं है कि ओके कृष्ण जन्म हो गया, गोवर्धन हो गया, विवाह हो गया, हमारा भागवत हो गया, तुम अपने घर हम अपने घर, ना जी ना, ये भागवत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत होनी चाहिए, एवरी डे। और हरि विमुखन का संग का मतलब यही है कि भागवत त्याग प्रदान करती है। अगर 3 घंटे भागवत सुनने आए हो तो इन 3 घंटे टीवी से, अखबार से, संसार से दूर रहोगे तो ये भागवत त्याग प्रदान करती है। ये संकल्प से होगा। अखबार को पढ़कर जीवन काट रहे हैं, वो अखबार जो अगले दिन डस्टबिन में चला जाता है, लेकिन वो भागवत जिसको सर पर लेकर चलते हैं उसको पढ़ते नहीं, भगवत गीता पढ़ते नहीं। देखिए भगवत गीता के प्रारंभ में महिमा में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम रहता। बहुत सुंदर श्लोक शंकराचार्य ने लिखा, सर्व उपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम रहता। इसका अर्थ क्या है? बोले सर्व उपनिषदों गावो। कितने उपनिषद हैं? भागवत से ज्ञान की प्राप्ति भी तो चाहिए। कितने उपनिषद हैं? 108। कितने? इसलिए माला के मन के होते हैं 100। आज तक किसी ने नहीं बताया आपको। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी कुंडली में ग्रह होते हैं 9 और उसमें घर होते हैं 12, द्वादश। मैं तो ब्राह्मण घर से आता हूं, जानता हूं ज्योतिष को भी। 12 घर और 9 ग्रह, 9 को 12 से गुणा करिए कितना होता है। जब जन्म होता है तो किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। बोले नक्षत्र कितने हैं? बोले 27। 27 नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ। बोले किसी ना किसी दिशा में होगा, 4 दिशाओं में से किसी दिशा में हुआ, 1 नक्षत्र में हुआ। बोले 4 दिशाएं और 27 नक्षत्रों को गुणा करो कितना हुआ। उपनिषद कितने हैं? भगवान कृष्ण की पटरानियां कितनी है? 16,108। ये दिव्य अंक है। क्यों क्यों दिव्य अंक है? जैसे FM का गाना सुनने के लिए रेडियो स्टेशन को 92.5 FM, 93.3 रेडियो मिर्ची मियाओ लगाना पड़ता है, ऐसे ही अगर वाइब्रेशंस घूम रही हैं आकाश में भगवत नाम की,
अगर आपको उससे कनेक्शन लाना है तो 108 का मीटर लगाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, गारंटेड आपका कनेक्शन जुड़ जाए, संगीत बजने लगेगा। और जिनका 108 का कनेक्शन नहीं है, कितना ही गाना गा लो, जय जगदीश हरे, तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, लेकिन सेवक कभी अपने को सेवक मानने को तैयार नहीं, कहे भी तो तुम सेवक हो। हमको हमारी एक दादी थी, वो गाया करती थी कि जब हम सेवक मानते ही नहीं तो गाएं क्यों। वो कहती थी हम स्वामी तुम सेवक, क्योंकि नौकरी तो भगवान कर रहे हैं ना, मेरी ये इच्छा पूरी करो, ये इच्छा पूरी करो, ये करवा दो, ये करवा दो, हम स्वामी तुम सेवक कृपा करो भरता, जय जगदीश। लेकिन कनेक्शन सेट नहीं हुआ, क्योंकि 108 FM लगाया नहीं, 108 लगा के देखी। तो गुरुजी ने शिष्य को समझाया, शिष्य सर्व उपनिषदों गावो, जितने उपनिषद हैं ये गाय हैं, ये गाय हैं, दुग्धा गोपाल नंदना, और ग्वाल बाल बन के कृष्ण ने इन उपनिषदों के गाय रूपी थन से दूध निकाला है, लेकिन दूध डायरेक्ट आता नहीं, बिना बछड़े के दूध आता नहीं है। तो बछड़ा कौन है? बोले पार्थो वत्स सुधीर भक्ता, ये जो अर्जुन है ये क्या है? बछड़ा है। लेकिन दूध किसके लिए निकाला जाता है? बछड़े के लिए या समाज के लिए? समाज के। बछड़ा 1 लीटर दूध पीता है और 12 लीटर 14 लीटर दूध समाज पीता है। ऐसे ही गीता का ज्ञान संसार को देने के लिए, वह दूध 14 लीटर दूध संसार को देने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने ही गाय रूपी बछड़े को, अर्जुन को चुना, जिससे बछड़ा बनाया, और उपनिषदों का दूध जो था वो इस बछड़े के मुख में रख कर के संसार के लिए धोया, निकाल कर दिया संसार को। दुग्धम गीता अमृतम, ये गीता अमृत निकाला। ऐसे ही सुखदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को बछड़ा बना करके श्रीमद् भागवत रूपी दूध का पान कराने के लिए, संसार को भागवत सुनाने के लिए परीक्षित को केवल एक बछड़ा बनाया, और उपनिषद भागवत वेदांत सूत्रों का सार रूपी भागवत देने के लिए परीक्षित को बछड़ा बना करके दुग्ध निकाल करके समाज कल्याण के लिए भागवत को प्रकट किया। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, शिष्य बैठा था, गुरुजी बोल रहे थे सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। अब दुग्धा का मतलब है ग्वाल बाल, जो गाय का दूध निकालने वाला। लेकिन शिष्य पूछ रहा, गुरुजी उपनिषद समझ में आए, गीता समझ में आई, ये समझ नहीं आया क्या? आपने कहा दो गधा गोपाल नंदना, ये दो गधा कौन है? गुरुजी बोले दो गधा कहां कहा मैंने? कहा आपने कहा सर्व उपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदन। गुरुजी बोले अच्छा तुम गधा समझा? बोला तो कौन है? गुरुजी बोले एक तो हम हैं और एक तुम हो, कि तुम समझ नहीं रहे और हम ये नहीं समझ रहे कि तुम कभी नहीं समझोगे। तो कभी कभी लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, भागवत की विवेचना और व्याख्यान को संसार के लोगों ने अलग दृष्टि से प्रकट किया। लोग सोचते हैं भागवत का मतलब है नाचना गाना होगा, एंटरटेनमेंट होगा। बोले असली एंटरटेनमेंट तो हरि कथा श्रवण में है, जो सुनते हैं हरि कथा चली जाती है जीवन की व्यथा, ऑल प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड ओनली इन वन गो श्रीमद् भागवत, दैट इज द पावर ऑफ श्रीमद् भागवत। इस भागवत के पद्म पुराण के अंदर 6 अध्यायों में महात्मा लिखा है, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। 6 अध्यायों में क्यों लिखा है भागवत की महिमा? पद्म पुराण में 6 अध्याय में क्यों लिखी है? बोले क्योंकि भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कौन सा ऐश्वर्य है? भगवान के जैसी सुंदरता किसी की नहीं है, भगवान के जैसा धन किसी के पास नहीं, भगवान के जैसा बल किसी के पास नहीं, भगवान के जैसा त्याग किसी के पास नहीं, भगवान के जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं, और छठा भगवान के जैसा वैराग्य किसी के पास नहीं।
ये जो छह ऐश्वर्य हैं, इसी के कारण पद्म पुराण में छह अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया। तो हम भागवत की महिमा श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से पद्म पुराण में भक्ति जिसकी बात होती है, आदमी कहता है हम कृष्ण भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, भक्ति क्या है, यह पद्म पुराण में भागवत की महिमा का वर्णन किया गया कि एक बार भक्ति महारानी जिनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, चलते चलते सभी जगह से ट्रेवल करती हुई भक्ति महारानी पहुंचती है हरे कृष्ण। फोन से ज्यादा इधर देखना है प्रभु, यू नीड टू बी लिटिल सीरियस अबाउट श्रीमद् भागवतम। भक्ति महारानी चलते चलते दक्षिण भारत से पहुंचती है महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, लेकिन देखते हैं भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हैं, लेकिन वृंदावन आकर के भक्ति महारानी युवा हो गए। नारद जी जब भक्ति महारानी को देखते हैं, एक सुंदर स्त्री है, लेकिन उसके दो बुजुर्ग साथ में व्यक्ति लेटे हैं, पूछते हैं ये कौन है। भक्ति महारानी कहती हैं ये मेरे पुत्र हैं, मैं तो युवा हूं लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हैं, ज्ञान। तो लोग सोचते हैं शायद वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी का चंदन लगाएंगे तो हमें भक्ति मिलेगी, भक्ति तो मिलेगी लेकिन ज्ञान का क्या होगा, वैराग्य का क्या होगा। भक्ति महारानी दुखी है, नारद जी से प्रश्न पूछती है। कलिना सदृश को अपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् संस्तवाम् स्थापिष्यामि गेह गेह जने जने। ये नारद जी का वादा है, ध्यान से सुनिएगा क्या वादा है नारद जी का। कलिनः श्रद्धश्च को अपि युगो नास्ति वरानने। इस कलयुग में आज का जो युवा है वो बिगड़ जाएगा, आज का जो समाज है वो बिगड़ जाएगा। कलयुग में लोगों की दृष्टि कुदृष्टि होगी। आज लोग बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, बच्चे क्या देखते हैं मोबाइल पर, क्या देख रहे हैं, वेस्टेज क्लटर, एंड दे थिंक दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ बट दे आर नॉट। आज हमारे शास्त्र को छोड़ करके बच्चों को बोलना पड़ता है चलो चलो चाची जी के पैर छुओ, बताना पड़ता है, यही संस्कार दे रहे हैं आप, बताना पड़ता है, गुरु जी के पांव छूजिए, कथा में चुप बैठिए, बताना पड़ता है, क्योंकि ये संस्कार माता पिता ने नहीं दिए बच्चों को। क्यों नहीं दिए? Why they are not cultured? Why the culture is degrowing day by day? क्यों गिर रही है, क्या कारण है इस कल्चर का नीचे जाने का? क्योंकि हमने कल्चर का साथ छोड़ दिया, एग्रीकल्चर का भी छोड़ दिया, एडवांसमेंट के नाम पर मोबाइल स्मार्ट हो गया और बुद्धि डल हो गई। पहले जमाने में सबके फोन नंबर याद रहते थे, है ना, डायलिंग वाले फोन नंबर सबको याद थे, लेकिन जब से स्मार्टफोन आए बुद्धि डल हो गई, फोन स्मार्ट हो गया, किसी का नंबर याद नहीं। हमें कल्चर देना है सनातन, कम से कम सनातन लोग तो ऐसा करें अपने बच्चों को रोज कम से कम भगवान का प्रणाम करना सिखाएं, एक मंत्र तो सिखाएं कि बेटा यह भगवान है। आज क्रिश्चियन व्यक्ति हर संडे को अपने बच्चों को चर्च ले जाता है, एक इस्लामिक व्यक्ति हर शुक्रवार को अपने बच्चों को टोपी पहनाकर नमाज पढ़ाता है, एक सिख व्यक्ति जब गुरु ग्रंथ साहिब को निकाला जाता है सर पर रखकर तो सारा समाज नाचता है कूदता है, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करता है। केवल एक भारतीय हिंदू ऐसे हो गए जो भागवत सिर पर रखकर चलते हैं तो कोई उनको प्रणाम नहीं करता, कोई अपने बच्चों को मंदिर नहीं ले जाता। हम लोग कॉन्वेंट में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में हमको बाइबल पढ़ाया जाता था,
गिफ्ट दिया जाता था फ्री में, और क्रिश्चियन बच्चों को बोला जाता था ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है अपने बस्ते में स्कूल के बैग में एक बाइबल रखकर चलो। लेकिन आज कौन सा भारतीय कहता है अपने बच्चों से अपने बैग में गीता रखकर चलो? तो किसने बिगाड़ा? माता पिता का कर्तव्य भूल गए। आपने बच्चे के बैग में गीता नहीं रखी तो वो स्मार्टफोन रखेगा, आपने चूक करी है वो कल आपको भूल जाएगा, आपका सम्मान नहीं करेगा, आपको प्रणाम नहीं करेगा, फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई, फिर कोई बात नहीं। इट्स बेटर, अच्छा है आज ही संस्कारों की नींव डाली जाए। नारद जी ने भक्ति महारानी को दुखी देखा तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए भक्ति महारानी, तस्मिन तवाम स्थप्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने वादा किया घर घर में लेकर जाऊंगा आपको, आपकी ऐसी स्थिति देख करके इस कलयुग में गांव गांव में घर घर में आपको लेकर जाऊंगा। किसने कहा? नारद जी ने कहा। अंध्यमास्कृतम कृत्यः पुरस्कृत्यः महोत्सवान् तदा नहं हरेर दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना भक्ति महारानी, आपको घर घर तक नहीं पहुंचाया, नारद जी कहते हैं तदा नहं हरेर दासो, मुझे हरि का दास मत कहना। तो नारद जी ने पहुंचाया घर घर में, पहुंचाया। कब पहुंचाया? जब नारद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बनकर आए, तब जाकर के विश्व के घर घर में भक्ति महारानी को पहुंचाया। श्रील प्रभुपाद की ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए और घूमते घूमते बद्री का आश्रम पे पहुंचे। वहां चतुष कुमार बैठ करके आनंद से भजन कर रहे थे। एक कथा करता है तीन कुमार सुनते हैं, फिर दूसरा करता है दो तीन कुमार सुनते हैं। रोज वक्ता बदलते हैं, रोज श्रोता बदलते हैं, एवरी डे भागवतम। तो नारद जी पहुंचे तो उनके मुख आकृति बड़ी दुखी थी, फेस दुख दुख। तो नारद जी ने जब देखा मुख की आकृति विकृत हो रखी है नारद जी की, तो चतुष कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया, क्योंकि भाई है ब्रह्मा के पुत्र चतुष कुमार और ब्रह्मा के पुत्र नारद, का भाई आपकी मुख आकृति विकृत क्यों है? तो चतुष कुमारों को नारद जी बोलते हैं स्थिति गंभीर है, कलयुग अभी आने ही वाला है, आया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि भक्ति महारानी का जन्म हुआ दक्षिण भारत में, लेकिन धीरे धीरे भारत भ्रमण करते करते उनका पतन हुआ है, वो बूढ़ी हो गई है, लेकिन जब वृंदावन आई वो तो युवा हुई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य आज भी बूढ़े बुजुर्ग। चतुष कुमार कहते हैं देखिए अगर ज्ञान और वैराग्य को युवा करना है तो केवल एक ही रास्ता है, उन्हें श्रीमद् भागवत शाश्वत ग्रंथ की शरण लेनी पड़ेगी, तो उनके ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र जीवित और पुनर्युवा हो जाएंगे, यूथ बन जाएंगे। अच्छा तो चलिए चतुष कुमार वृंदावन भागवत सुनाने। चतुष कुमार कहते हम नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किल से देवभूमि इस बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में बैठे हैं, हम क्यों जाएं? तो नारद जी ने बीच में एक मीडियम रास्ता निकाला, बोले ना हम ऊपर आएंगे ना आप नीचे आओ, मुख्य हरि का जो द्वार है हरिद्वार, हरि का जो द्वार है हरि तक जाने का द्वार हरिद्वार, उस हरिद्वार में एक स्थान है आनंदवन, उस आनंदवन तपोभूमि पर तपोयज्ञ द्रव्य यज्ञ योग यज्ञ जप यज्ञ करेंगे मिलकर के, और वहां भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। देव ऋषि नारद ने कहा हे मुनिगणों जल्दी करिए और हम अब आनंदवन में भागवत कथा आरंभ करेंगे। तो आनंदवन हरिद्वार में यह भागवत प्रारंभ हुआ,
चार व्यास आसन लगाए गए और अनंत कोटि ऋषि मुनियों को बुलाया गया। कौन कौन से ऋषि आए थे? भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकाल ऋषि, मार्कंड ऋषि, दत्तात्रेय, पिपलायन, व्यासदेव, पराशर, जाजली, बहुत सारे ऋषि, चतुष कुमार बैठे थे, कई ऋषि आ गए। अब भागवत कथा में बुलाना नहीं पड़ता है, जो भागवत रसिक हैं वो अपने आप भागवत सुनने पहुंच जाए। पर कई लोग होते हैं जो बुलाने पर भी नहीं आते, बिकॉज दे आर एनग्रॉस्ड इन माया। वो मायाबद्ध जीव क्या जाने भागवत का रस स्वाद। उनका जन्म बार बार इस संसार में होगा, जिसने आज तक एक बार भी भागवत नहीं सुना उसको इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरी जठरे शयनम, बार बार जठरी मां की गर्भ में आना पड़ेगा जिसने भागवत को आज तक श्रवण नहीं किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरी जठरे शयनम, पुनरपि जठरी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यह संसार खलो दुस्तार, यह संसार खलो दुस्तार, कृपया पारो पाही मुरारो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बोलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसार बहु दुस्तार, एह संसार बहु दुस्तारे, कृपया पारो पाही मुरारो, कृपया पारे पाही मुरारे, कृपया पारे पाही मुरारे, कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गो भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। We'll be right back.
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। ये शंकराचार्य जी ने इस बात को बोला है, क्या कहते हैं, मूढ़मती है मूर्ख व्यक्ति, भगवान गोविंद का भजन नहीं करता है। पुनरअपि जननम, तेरा पुराना जन्म होगा, अगेन फिर आना, हैप्पी बर्थडे टू यू बनाओगे, ताली बजाओगे, यहीं रह जाओगे, लेकिन भगवान का भजन करने में ताली बजाओगे, इस संसार से पार हो जाओगे, क्योंकि रास्ता एक ही है। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। ये आदमी भजन कर क्यों नहीं पाता? शंकराचार्य कहते हैं जब तक सत्संग में नहीं जाओगे ये भजन होगा नहीं। सत्संगतवे नित्संगतवम जो बुरे लोगों का आपने सोचा ना, these are my friends, actually they are cheaters because they are cheating you from the path of devotion। ये आपको चीट कर रहे हैं क्योंकि ये आपको भगवान के रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं। शराब पी करके बहुत सारे लोग मर गए हैं, वीडियो देख करके बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े आदमी बनकर मर चुके हैं, धन ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया। अगर सुख होता तो बड़ा धनी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता। धन में सुख नहीं है, धन आपको बेड दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। पैसा आपको बड़ा मकान दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। पैसा आपको कपड़ा दे सकता है लेकिन चरित्र नहीं दे सकता, लेकिन भक्ति आपको चरित्र देती है, सुख देती है, आनंद देती है। सत्संगतवे नित्संगतवम सत्संगतवे नित्संगतवम निसंगतवे निर्मोह तत्वम निसंगतवे निर्मोह तत्वम निर्मोह तत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते बोलो बोलो भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते 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 भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। Thank you.
शुक्राचार्य कहते हैं जब बाल काल होता है तो खेलने कूदने में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना, तो बाल काल में क्रीड़ाओं से आसक्त होते हैं। जब थोड़े से बड़े होते तरुण तो तरुणी से आसक्त रहते हैं। जब बूढ़े होते हैं तो चिंताओं से आसक्त रहते हैं, लेकिन कोई भी परब्रह्म से आसक्त नहीं होता है। बालक अवस्था क्रीड़ा आसक्तम तरुण अवस्था तरुणी आसक्तम परब्रह्मा को अपेन असक्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूलम ते, बोलो बोलो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते, बोलो बोलो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद राधा गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन, 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 मेरो 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 राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधिका प्यारो श्री राधा रमण, मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण मेरो राधा
तुझको प्यारो श्री राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा मेरो राधा रमन 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 मेरो राधा रमण 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 राधा रमण मेरो 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 राधा रमण गोपाल भट्ट जुको प्यारो श्री यमुना को दुलारो हमारो प्यारो श्री राधा रमन राधा रमन मेरो 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 राधा रमण राधा रमण मेरो 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 राधा रमण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवत ग्रंथ चतुष कुमारों ने आनंद घाट हरिद्वार में सुनाना शुरू किया। वो कहते हैं चतुष कुमारों का वाक्य है सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चिंत समाश्रय श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से हरि भगवान कृष्ण आपके हो जाएंगे। यस्य श्रवण मात्रेण केवल सुनने से हरि चिंततः समाश्रयेत आपके आश्रय आप उनके आश्रय में होंगे भगवान आपको अपना बनाएंगे। लेकिन निरंतर गाना पड़ेगा हृदय से पुकार मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो श्री राधा रमण लाल जय सदा सेव्या श्रीमदा भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रय आपके चित्त में हरि विराजमान हो जाएंगे इस भागवत को सुनने से। श्रीमद् भागवत का एक नाम है अनुपम नाम सुख शास्त्र, इसका नाम है सुख शास्त्र। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला शास्त्र सुख शास्त्र। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी श्रीमद् भागवत का एक भी वचन नहीं सुना वह जीते जी मृत के समान है, डेड बॉडी है। राम नाम सत्य कहकर लोग उठाकर ले जाएंगे लेकिन जब तक जीवन है तब तक राम का नाम सत्य मानकर दुनिया तैयार है। बहुत सारी चीजों को सत्य मानते, धन सत्य, पुत्र सत्य, पत्नी सत्य, परिवार सत्य, ये सत्य वो सत्य, ये बाबा सत्य वह गुरु सत्य, ये देव सत्य, लेकिन राम का नाम सत्य है इस पर हमारा भरोसा नहीं। लेकिन जब प्राण निकल जाएंगे तो एक ही चीज आएगी, क्या? राम नाम। लेकिन फिर प्राण निकल गए तो क्या ही बोलेंगे। इसलिए जब तक है जीवन भगवान का नाम यह भागवत का वचन है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को चतुष कुमारों ने गाना प्रारंभ किया इस आनंद घाट हरिद्वार पर आनंद वन में। सनकादि शरद कुमार ऋषियों की सभा में जोर जोर से गा रहे थे भागवत की महिमा, भागवत कीर्तन, भागवत सब कुछ चल रहा था। पद्म पुराण कहती है कि तभी देखते हैं जिस प्रकार आप लोग भगवत कीर्तन में नाच उठे, जिस प्रकार भगवत कीर्तन से सखी स्थली उद्धव कुंड पे उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए थे भगवत नाम से, उसी प्रकार भगवत नाम से ज्ञान और वैराग्य युवा होकर नाचने लग गए। तब सनत कुमार ने देखा कि एक युवा स्त्री नाच रही है और दो युवा पुरुष नाच रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। यही प्रोजेक्ट था कि स्त्री जो थी वो युवा थी, पुत्र वृद्ध थे, लेकिन अब पुत्र भी युवा है और स्त्री भी युवा है। तब उन्होंने कहा भक्ति महारानी तुमने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। डिवोटी सर्कल में लोग पूछते हैं भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति कैसे मिलती है। ये आशीर्वाद भक्ति महारानी को सनकादि ऋषियों ने दिया। सनत कुमारों ने क्या कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूपे त्रि प्रेम का धत्री भव रोगंत्री सा त्वं चातिष्ठवा सुधर संश्रया निरंतर वैष्णवामासिनम। सनकादि ऋषियों ने कहा भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर स्वरूप की स्थापना करने वाली है, अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली है तथा संसार रोग की पूर्णता को नष्ट करने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। तो भगवान गोविंद का स्वरूप जो हमारे हृदय में विराजमान है उसको प्रदान करने वाली भक्ति महारानी कहाँ रहती है, भक्तों के हृदय में। भक्तेषु गोविंद स्वरूप एकत्री प्रेम धत्री भव रोग हंत्री सा त्वं चतिष्ठति स सुधेर संशयम निरंतर वैष्णव नाम मंस निवासनम। वैष्णव के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और भक्तों के हृदय में जाकर।
अब आप भगवान के मंदिर में जाएं और कहें भगवान कृष्ण मुझे भक्ति दो, अपना प्रेम दो। कृष्ण कहेंगे सॉरी मेरे पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हें भक्ति चाहिए तो मेरे भक्त की शरण में जाओ। मत भक्त नाम पूजिकम अधिकम, मुझसे ज्यादा मेरे भक्त की पूजा होती है। भक्त के वश में है भगवान, भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए अगर भगवान की भक्ति चाहते हो तो भगवान के भक्तों के बताए नियमों पर चलना। यह श्रीमद् भागवत का सार है। ये 3 अध्यायों में कथा संपन्न होती है और अगले 2 अध्यायों में दुंदकारी और गौकर्ण की कथा आती है और अंतिम 1 अध्याय में श्रीमद् भागवत के आयोजन के नियमावली को वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कोई कहानी किस्सा नहीं कि कोई भी शुरू कर दिया, कहीं से भी शुरू कर दिया, कुछ भी सुना दिया, लेक्चर नहीं है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, भगवत स्वरूप है, भगवान का अवतार है, वाक्यमय अवतार। अगर आप कृष्ण को देखना चाहते हैं तो भागवत के वाक्यों में भगवान को देख सकते हैं। यह शब्द ब्रह्म है, यह शब्द ब्रह्म। जब भगवान कृष्ण धराधाम से नित्य लीला में प्रवेश कर रहे थे तो भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु आप चले जाएंगे तो धर्म की स्थापना कौन करेगा? आप जब धर्म को स्थापना करने आते हैं, आप ही प्रभु नित्य लीला चले जाएंगे तो संसार में धर्म की स्थापना करेगा कौन? कृष्ण सुधाम उपगते। कृष्ण जब अपने सुधाम को चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते, ज्ञान धर्मादि बिसहा। ज्ञान कहां गया, धर्म कहां गया? क्योंकि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति। जब आप एंट्री करेंगे सीढ़ियों से, ऊपर एक श्लोक लिखा है भगवत गीता का प्रसिद्ध, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्तानम अभ्युत्तानम तदात्मानम सृजा। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, अब भगवान ही चले गए तो धर्म कहां जाएगा? कृष्ण सुधाम उपगते ज्ञान धर्मादि बिसहा। ऋषियों की बड़ी चिंता थी, प्रभु आप चले गए तो क्या होगा? तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद जिस स्थान से भगवान ने अपने गोलोक नित्य निवास गुजरात भलका तीर्थ से प्रभु ने नित्य निवास नित्य लीला में प्रवेश किया, कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान धर्मादि बिसहा कलो नष्टम दृशम एशे पुराणो अर्को उधनोदित। कलयुग के लोग जो दिशा भ्रम हो चुके हैं, टीवी और मीडिया के प्रकोप से न्यूज देखते देखते भूल गए हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको लगता है शायद किसी सरकार को स्थापित करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये सरकार वो सरकार, ये पार्टी वो पार्टी, ये लक्ष्य नहीं जीवन का। कलो नष्टम दृशम एशे, जिनकी दृष्टि नष्ट हुई होगी कलयुग में, उनको दिशा दिखाने के लिए पुराणो अर्को उधनोदिता, एक पुराण प्रकट हुआ। भगवान गए और वहां पर एक ग्रंथ रखा था पुराण। भक्त दौड़कर गए, बोले ये पुराण अर्को उधनोदिता, ये पुराण आया है, क्या पुराण है? प्रभु की वाणी आई, चिंता मत करो, मैं साक्षात रूप में तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, लेकिन कलयुग के लोगों को दिशा दिखाने के लिए यह मेरा ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवत रहे। ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवत। तो इसके दूसरे अध्यायों में, 2 अध्यायों में कथा आती है धुंधकारी और गौकर्ण की कथा। आत्मदेव ब्राह्मण नाम के बड़े ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण थे। मन में एक इच्छा थी, मेरे घर भी संतान हो, पुत्र हो, लेकिन उनकी पत्नी इच्छा व्यक्त करती थी धुंधली कि मैं अपने घर में कोई संतान नहीं चाहती हूं, कि संतान लाऊंगी
तो क्या होगा, मेरी बॉडी पोस्चर खराब हो जाएगा, मुझे संतान की इच्छा नहीं है। ब्राह्मण कहते थे मैं वृद्ध हो रहा हूं, अब धीरे धीरे समय चला जाएगा, मैं मृत हो जाऊंगा, क्या हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, वंश परंपराएं समाप्त हो जाएगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण की इच्छा थी, लेकिन उनको उनकी पत्नी ने सहयोग नहीं किया। एक दिन दुखी मन से आत्महत्या हेतु इसी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे घूम रहे थे। वहां देखते हैं भगवान ने एक ब्राह्मण का स्वरूप लिया और वहां प्रकट हुए। भगवान कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण होकर दुखी हो, ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता है, ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोषे परमम सुखम, सबसे बड़ा सुख है संतोष का सुख। अगर आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, तो आप सुखी नहीं रह सकते। हजारों गाड़ी खड़ी होने पर भी दुखी रहोगे। हमारे एक जानकार है, उनके पास मर्सिडीज हैं चार, ऑडी हैं दो, नीचे खड़ी होती हैं, 6 मंजिल का मकान है, हर मंजिल पर एक एक बच्चा रहता है, और वो खुद नीचे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं नीचे। लेकिन एक बार उन्होंने हमें अपने घर बुलाया, मर्सिडीज में बिठाकर मंदिर से ले गए, बोले प्रभु जी आप कॉल करिए, ऊपर मेरे बच्चे रहते हैं, शायद आपकी वाणी सुनकर नीचे आ जाए। मैंने फोन मिलाया, उनकी पत्नी को फोन मिलाया, कहती क्या है, मैं कहा नीचे डॉक्टर साहब बुला रहे हैं मिलने के लिए, मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूं, आइए, टाइम नहीं है। मैंने कहा साधु पुरुषों को ना नहीं करना चाहिए, कुछ भजन करेंगे, आपका कुछ लेने नहीं आए, कुछ देने आए। साधु को लेकर लोग डर जाते हैं, शायद मांगेगा, लेकिन हम मांगने वाले नहीं। अगर मुझे मांगना ही होता तो मैं लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर कथा क्यों करता, मुझे मांगने नहीं आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं, वो जो दुनिया ढूंढ नहीं पा रही है, ढूंढ नहीं पा रही है। मैंने उनको बोला आप आइए, उनको बात लग गई, बोली ठीक है मैं आती हूं, और 4 बच्चों को बुलाइए, बोले नहीं 2 बच्चे तो हमारे अभी जाने वाले हैं, उनकी डिग्री चल रही है, पढ़ाई चल रही है, दे डोंट हैव टाइम। मैंने कहा एक बार कॉल पर बात करवाइए, आई रिक्वेस्टेड देम, मैंने कहा प्लीज आइए, मैं मिलना चाहता हूं आपसे एक बार। बच्चे आए, 2 बच्चे आए, 2 नहीं आए, 5 मिनट बैठे, मैंने अभी बोलना शुरू भी किया था, कहते ओके थैंक यू सो मच, हमें बहुत काम है, हम जा रहे हैं। 6 ऑडी है ना, 4 मर्सिडीज, 2 ऑडी, 6 गाड़ियां, 6 मंजिल का मकान, करोड़ों की संपदा, लेकिन बच्चे टाइम नहीं उनके पास भगवान का नाम सुनने के लिए, नीचे बैठकर आंसू बहा रहे थे, कह रहे मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, प्रभु जी कुछ करिए, इन 6 मंजिलों को तोड़ करके ग्राउंड फ्लोर बना दो, ताकि साथ में तो रहें कम से कम, क्या फायदा। उनको फिर हमने भजन सिखाया, अभी वो क्या करते हैं, नीचे बैठकर हारमोनियम पर कीर्तन कर भगवत नाम लेते रहते, अभी मिलते तो कहते हैं आपने अच्छा रास्ता दिखाया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का दिया, जो भी मेरे पास है वो किसी का है, किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। बोलिए मैं नहीं,
से दिया, जो दिया प्रेम से दिया, प्रभु ने दिया प्रेम से दिया, कभी कुछ मांगा नहीं। देने वाले ने दिया वो भी दिया बड़े शान से, देने वाले ने दिया वो भी दिया बड़े शान। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, या बोलो मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, बोलो बोलो किसी का है दिया। ब्राह्मण को भगवान मिले, भगवान ने कहा ये फल लो, इसे अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर में एक संतान उत्पन्न होगी, तुम्हारी पत्नी को संतान होगी, तुम्हारी जीवन की इच्छा समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस संतान से आसक्ति मत करना, क्योंकि जो आ सकती है वो जा भी सकती है, ये संतान कभी चली जाएगी छोड़ करके, तब दुखी होगे। जो मिला वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जीवन में संबंध मिलेंगे टूटने के लिए, लोग मिलेंगे बिछड़ने के लिए, धन मिलेगा दूसरों के द्वारा लूटे जाने के लिए, आप तो एक दिन खाक होने वाले हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जिसके लिए रात दिन भाग रहे हो वो आपका साथ आने वाला नहीं है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जा ये कोई राज कह सकता नहीं। हाँ कब बिछड़ जा ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जा ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। हाँ मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा का है दिया। हाँ जो भी
उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वे धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया। ही आपके साथ जाने वाला है। ये शरीर छोड़कर जाते हैं तो साथ में एक सुई की नोक भी साथ में जाती है। ना डॉलर जाएगा, ना येन जाएगा, ना यूरो जाएगा, ना धीराम जाएगा, केवल श्री राम का नाम जाएगा। इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की। तो धुंद लिखे इस फल को खा करके उसके मन में आया कि अगर मैं फल खाती हूं तो मेरे घर में संतान उत्पन्न होगी, मेरा शरीर कुरूप हो जाएगा। तो धुंधली बड़ी ही इस संसार के ज्ञान से धुंधली थी, उसका ज्ञान धुंधला था, उसको साफ साफ समझ नहीं आया करना क्या है। उसने अपनी एक सहेली को कहा, तुम तो कई बच्चों की माँ हो, अपनी एक संतान मुझे दे सकती हो? कहा, मैं गर्भवती हूं, तुमको अपनी एक संतान दे दूंगी। कहा, लेकिन तुम्हारे ब्राह्मण पति को पता नहीं चलेगा गर्भ धारण नहीं हुआ। कहा, मैं कपड़ा लगाकर नाटक करूं, उसे कहूंगी अब 5 महीने का हो गया, अब 6 महीने का हो गया, और जब तुम्हारे संतान होंगे तो दिखा दूंगी कि संतान होगी। कहा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कहा, ब्राह्मण का सारा धन दे दूंगी। जिस धन से गलत काम किए जाते हैं उसका परिणाम भी गलत ही आता है। आपने किसी को दान दिया, अगर उसने उस दान के पैसे से मदिरा का पान किया, आपने सोचा मैंने गरीब को दान दिया है, लेकिन गरीब ने अगर बीड़ी पी, सिगरेट पिया, मदिरा पान किया, उसके पीने का 1/6 भाग पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। 1/6 1/6। इसलिए भगवत गीता कहती है देने से पहले सोच लो, कुपात्र को नहीं देना है, सुपात्र को देना है। लेकिन भगवान कि भक्ति ऐसी है, भागवत का दान ऐसा दान है जिसके लिए राधा रानी चिंता नहीं करती है कुपात्र को देना है कि सुपात्र को देना है। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने, पात्र का कोई विचार नहीं, पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थाने। दान देना चाहिए धाम में जाकर, तब फल ज्यादा मिलता है। लेकिन भागवत का दान स्थान नहीं देखता, स्थान अस्थाने,
पात्र अपात्र विचार नाही नाही स्थान स्थाने यही यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दाने। राधा रानी देखती हैं बड़े ध्यान से 3 घंटे से कान खोलकर सर्दी में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये यहाँ पाए जिसको भागवत के सामने पा लिया करे प्रेम दाने, उसको प्रेम का दान करती है। सेवल बैठने से ये भागवत की महिमा है। धुंधली ने पैसे से पच्चा खरीद लिया संतान, धुंधली ने उसको संतान के लिए पैसा दिया ले आई, संतान का नाम लगा धुंधली से धुंधकारी। 3 महीने बाद वो फल जिस गाय को खिलाया था धुंधली ने, उस गाय के भी संतान हुई जिसके कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गौ कर्ण, कान गाय जैसे। गौ कर्ण आत्मज्ञानी धुंधकारी महाखलो। आत्मज्ञानी थे गौकर्ण जी, भगवान का फल खाया था, लेकिन धुंधकारी महाखल, सारे वो काम करता था जो नहीं करने चाहिए, मदिरा पान, परिस्त्री व्यसन, जुआ खेलना, शराब, मदिरा पान, परिस्त्री संग, सब कुसंग का काम करता था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होते थे, एक गायत्री मंत्र तो याद कर ले, हरे कृष्णा तो महामंत्र याद कर ले, कुछ तो बोल। ब्राह्मण घर में आया है कि खाली प्याज का छौंका मटर पनीर में लगा के खाने के लिए जन्म लिया है तूने, कुछ तो बोल। बहुत बोलते थे लेकिन धुंधकारी महाखलो, खल था, नेगेटिव कैरेक्टर, टोटल नेगेटिव चरित्र था उसका, नेगेटिव कैरेक्टर, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने सिखाने की कोशिश करी, बेटा बड़े हो रहे हो, मैं वृद्ध हो रहा हूं, कोई दिन आएगा जब मेरी मृत्यु आएगी तब तुम मेरी गद्दी संभालोगे, कुछ तो सीख लो, यज्ञ पूजा जप। मदिरा पान कर रहा था, 5-6 स्त्री बैठी थी, लात मारी पिताजी की छाती पे, मुझे सिखाएगा? 21 साल के बच्चे को तो सरकार भी वोट देने की इजाजत देती है, मुझे सिखाएगा? अब लात मार दी। ब्राह्मण पिता के छाती पे लात, इससे बड़ा कोई आघात हो सकता है? रोने लग गए। गोकर्ण जी बैठे थे गौशाला में, भजन कर रहे थे, उनके पास आकर कहते हैं, गौकर्ण गौकर्ण क्या हुआ पिताजी? आज तुम्हारे भाई धुंधकारी ने मुझे छाती में लात मारकर निकाल दिया घर से। गौकर्ण बड़े प्रसन्न हुए, जय हो जय हो जय हो। बोले तुम्हें पिता की लात खाकर जय हो करते हो, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? बोले पिताजी ऐसी लात तो किस्मत वालों को पड़ती है। बोले मतलब? बोले जिसको संसार के लोगों से लात पड़ती है इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा हुई है। एक बार वृंदावन में एक माताजी पिताजी प्रभु जी माताजी मिले थे, उनसे हमने पूछा आप लोग वृंदावन में निवास कैसे पाए? कहते हम बंबई के रहने वाले हैं। तो उनकी वाइफ कहने लगी, माताजी हमारी बहू बड़ी नेगेटिव थी, खल थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, जिसके कारण हमें घर छोड़कर बंबई से वृंदावन में आना पड़ा। लेकिन प्रभु जी कह रहे थे, अरे उस बहू को ऐसा कहती हो, अगर वो ना होती तो हम यहां ना होते, आज वृंदावन का वास उसी के कारण पाया है। तो ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये भगवान की विशेष महती कृपा है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, यस अहम अनुग्रहामि, जिस पर मेरी अनुग्रह कृपा होती है उसका धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है। तत्तने शने शने परिजन मित्र सब चले जाएंगे, और दुख दुखितम उसके दुख के भंडार हो जाएंगे। ये क्या है? यस अहम अनुग्रहामि, जिस पर मेरी कृपा हो जाएगी।
गौ करने का पिताजी बड़ी कृपा हुई है, लात किस्मत वालों को पड़ती है। जाइए वैराग के रास्ते पर, भजन करिए, भगवान को पाइए, संसार को त्याग दीजिए। पिताजी वन को चले गए, धुंधली को बड़ी आसक्ति थी अपने धुंधकारी से, साथ रही। एक दिन माँ के मुंह में कपड़ा डालकर, आंखों पे पट्टी लगाकर, सारा धन लूटकर अपनी स्त्री मंडली को धुंधकारी ने बांट दिया। लो लो खाओ ऐश करो, धुंधकारी तुम्हारा मित्र है। सब भोग करने वाली थी, सब एंजॉय कर रही थी। धुंधली मृत्यु को प्राप्त हुई, मर गई, कुएं में कूद गई। कहती है ऐसे पुत्र के साथ जीवन क्या करूंगी, अब तो मेरी बेइज्जती होने लगी घर में। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को प्रेत बनना पड़ता है, उसने आत्महत्या करी, प्रेत बन गई। गोकर्ण इस स्थिति को देखकर छोड़ करके वन को चले गए, कहा मैं यहां रहकर क्या करूंगा, यहां तो अब सब कुछ गड़बड़ है। जहां कोई शाम का नहीं, हमारा कोई काम का नहीं, छोड़कर चले गए। पीछे देखते हैं जो धुंधकारी था, उसकी जो स्त्री मंडलियां थी, उन्होंने मिलकर उसको मदिरा पिलाकर उसका सारा कुछ जो बचा कुचा था लूट के और उसी के घर में उसको आग लगा के मार डाला। इसका मर्डर हो गया, एक की आत्महत्या, एक का मर्डर, एक का घर से निकल, ये परिवार का हुआ। क्यों? धन गलत जगह लगाया। यहां भागवत जी आई, अगर आपसे कहें भागवत के लिए धन दीजिए, आप कहेंगे 10, 50, 100, 500। यहां पर बर्गर की पार्टी हो, पिज्जा पार्टी हो, न्यू ईयर पार्टी हो, बोलेंगे सब लोग देंगे, तो सब लोग 5100, 11000, 21000। क्यों? धन का दुरुपयोग करने में आनंद है और उसका सदुपयोग करने में आनंद नहीं आता है, यही माया है। वहां लगाते हैं जहां पर गड़बड़ होने वाली है, और वहां नहीं लगाते जहां सही उसका फल मिलने वाला है। धुंधकारी के ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई, बुरा हाल, बुरा हाल, मार डाला उसको, मृत्यु, सब कुछ लूट कर चले गए, आग लग गई। अब जिसका मर्डर हुआ हो, जिसने आत्महत्या करी हो, कौन बनेगा? प्रेत। अब प्रेत की मुक्ति कैसे होगी? पितृ कर्म से, श्राद्ध कर्म से। पितृ होने चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर के रचयिता हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपनी प्रेत के साथ मीटिंग का अनुभव बताया है। उसमें वो कहते हैं, मैंने प्रेत से पूछा कितने प्रेत पृथ्वी पर हैं, कहा जो भजन नहीं करते सब प्रेत बनते हैं, जिनकी अंत गति में श्राद्ध कर्म नहीं होते, जिन्होंने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि मेरे मरणोपरांत मेरे लिए क्या क्या क्रिया करनी चाहिए, उन सबको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। कहा कितने प्रेत हैं? हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर के रचयिता, निर्माता, संस्थापक, कहते हैं, उसने बताया जितने पृथ्वी पर जीव दिख रहे हैं उसके 10 गुना प्रेत घूम रहे हैं। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में जाकर के डालिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, हनुमान प्रसाद पोद्दार का अपना प्रेत के साथ का अनुभव, और प्रमाणित बात है ये, कोई अनुभव ये नहीं कि उन्होंने विचार करके लिखा। जिस घर का वो प्रेत था उसने अपने घर का टाइम बताया, मेरी मृत्यु इस घर से हुई है, उसके घर जाकर पूछा तो पता चला हाँ उसी घर का रहने वाला था, बॉम्बे का, लेकिन उनके बच्चों ने उनके संस्कार नहीं किए इसलिए प्रेत बना था। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उसके लिए श्राद्ध किया, गया में पितृ तर्पण किया, भजन किया, भागवत करी, तब जाकर वो प्रेत मुक्त हुआ। उसने बताया कि मैं मुक्त हुआ हूं, तो यहां पर धुंधकारी प्रेत बन गया, उसकी मां धुंधली प्रेत बन गई, इनकी मुक्ति कैसे हो? पीछे श्राद्ध करने वाला कोई है नहीं, बच्चों को सिखाया नहीं। आजकल लोग चौथा करके क्रिया करके चले जाते हैं, कह रहे पिताजी छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से, बाल नहीं कटाएंगे, हमारा फैशन खराब हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप सोचते हैं आपकी मुक्ति होगी? LCD खरीद कर देने से मुक्ति होगी? स्मार्टफोन खरीदने से मुक्ति होगी? बच्चों के हाथ में गीता पकड़ाओगे तो शायद मुक्ति हो सकती है, उनके हाथ में हरिनाम माला दोगे तो शायद मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने तीर्थाटन से जब वापिस आए तो देखते हैं वहां बैठकर बोले मेरा पुराना घर है, यहां बैठकर थोड़ा भजन कर लूं। जब कर रहे थे खिड़की दरवाजे बज रहे थे,
कौन है, कौन है। लेकिन प्रेत तब तक बोल नहीं सकते जब तक आप उनसे प्रश्न ना करो, उनके पास शक्ति नहीं है। अगर आप पूछोगे तो वो बोल सकते हैं। आपने प्रश्न किया कौन है, तो धुंधकारी कहता है गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई हूं। क्या हो गया भैया? कहा तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी मित्र मंडली ने मेरा मर्डर कर दिया, मुझे जलाकर मार डाला, मेरी हत्या हो गई। कहा फिर? कहा मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरी मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने उनके लिए पितृ तर्पण किया, भ्रातृ तर्पण किया, श्राद्ध कर्म पिंड दान किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहते अभी भी मैं मुक्त नहीं हुआ, कुछ ऐसा करो कि मेरी मुक्ति हो। तब गोकर्ण जी ने पूरे गांव वासियों को बताया मेरा भाई आज भी प्रेत बन के इस गांव में घूम रहा है। लोग बोले हाँ, आपके घर में हमें बहुत बार ऐसे उपद्रव होते देखे हैं, इसका कारण है तुम्हारा भाई अभी यहां प्रेत बना है। बोले हाँ, क्या करें? बोले उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए। भागवत एक ऐसा उपाय है जिसके मंत्र पढ़ने मात्र से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के कई आचार्यों ने अनेक अनेक प्रेतों का उद्धार किया है। ये भागवत की महिमा है। भागवत हैज पोटेंसी, बहुत पावरफुल है श्रीमद् भागवत। ये कोई कहानी किस्से की पुस्तक नहीं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ये सत्य है, सत्य है, बार बार कहो ये सत्य है कि भागवत के बराबर कोई ग्रंथ नहीं। इसीलिए इसको ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कहते हैं। ग्रंथराज, ये राजा है ग्रंथों का। व्यासासन लगाया गया, गांव वाले आए। गोकर्ण ने कहा तुम सबको कथा सुनने के बाद विमान की प्राप्ति होगी, सब वैकुंठ को जाओगे कथा सुन करके। 7 दिन हुए, 7 दिन बाद धुंधकारी जो था वो एक बांस के अंदर बैठा था और बांस की 7 गांठों में 7 दिवस के अंदर 7 गांठें टूट गईं और 7वें दिन विष्णु रूप प्राप्त करके वैकुंठ लोक का गमन किया। सबके देखते देखते ही बोलो वैकुंठ भगवान की। गांव वाले बोले हमने भी तो सुनी ना, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो गोकर्ण जी कहते हैं श्रवण भेदस्य फलम भेदम। श्रवण के भेद हो जाने में फल में भेद हो जाता है। अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लोग सुनने आते हैं। कुछ आते हैं रिश्तेदारी है, वृंदा जी ने बुलाया है, शर्मा जी ने बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन हमारा बिलीव नहीं है भगवान कृष्ण पे, हम तो अपने बाबा को मानते हैं। आ गए, बैठ गए, व्यवहार कोई हो सकता है, पास में रहते हैं, बोर्ड देखा था, प्रभु जी को टीवी पर देखा था, चलो देख आते हैं कैसे दिखते हैं। एक हो सकता है हमने बहुत भागवत सुनी है, चलो देखें चेक करें शायद भागवत वक्ता के लायक है भी कि नहीं है। एक हो सकता आया हो डांस गाना होता है, चलो थोड़ा नाच आए, एक्सरसाइज होगी, ठंड कम लगेगी। अलग अलग वृत्ति के लोग आकर भागवत सुनते हैं। श्रद्धा भेदस्य फलम भेदम, श्रद्धा के भेद हो जाने पर फल में भी भेद हो जाएगा। तब सारे गांववासी बोले इसका मतलब हमने श्रद्धा से नहीं सुना। बोले नहीं। बोले एक बार और, वन मोर चांस, एक बार और। कहा ठीक है। एक बार फिर से साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, व्यास आसन लगाया गया, कलश यात्रा निकाली गई, कीर्तन हुआ, गांववासी बड़े धूमधाम से आत्मचिंतन करके, आत्ममनन करके, वैकुंठ गमन की इच्छा से आकर श्रवण करने बैठे। और क्या देखते हैं, जैसे ही श्रीमद् भागवत का सप्ताह 7 दिन पूर्ण हुए, तुरंत ही एक एक गांववासी के लिए वैकुंठ से विमान आया और सभी गांववासियों को विमान पर आरोहण करकर भगवान वैकुंठ आधिपति भगवान विष्णु अपने साथ अपने लोक को ले गए। तो इस प्रकरण में सबसे उत्तम बात जो शास्त्र में आई है कि जो गोकर्ण थे वो कहां गए, उनका क्या हुआ। देखिए जो कथा सुनाता है उसको नंबर 1 मिलता है,
क्योंकि उसको 3 घंटे मेहनत करने में उबासी भी नहीं ले सकता हूँ। थोड़ा नाचो नाचो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मैं ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन नीचे वाले थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो कथा सुनाने वाले को नंबर 1 दिया जाता है, सुनने वाले को नंबर 2 दिया जाता है, और ऑर्गेनाइज करने वाले को नंबर 3 दिया जाता है। क्योंकि अगर वो ना होता तो आप ना होते, आप ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो प्रभु ना होते। तो तीनों को कृपा मिली, तो जिसके कारण हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया था धुंधकारी, पहले वो गया, फिर जो श्रोता थे श्रवण करने वाले, फिर वो गए, और गोकर्ण जो कथावाचक थे जिन्होंने 2 बार भागवत करी, स्वयं भगवान कृष्ण गोलोक से आए और गोकर्ण को अपने गले लगाया और कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त पाकर गोलोक भी धन्य हो गया। ये पुराण में लिखा है, पद्म पुराण, गोलोकवासी हुए, वैकुंठवासी नहीं, गोलोक। वैकुंठ का भी सबसे उत्तम स्थान है गोलोक वृंदावन धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ नित्य लीला करते हैं। तो अगर आप गोकर्ण की तरह गोलोक जाना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक इस हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। पेपर पेन, शायद कोई प्रभु जी ऐसी बात बता दे जो मेरे दिल को लग जाए, मेरा जीवन परिवर्तित। पिछले 3 घंटे में शायद कोई एक ऐसी बात तो होगी जो आपको लगी होगी अच्छी, लेकिन वो कल तक आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा मेमोरी लॉस होता है। अगर उसे हमेशा याद रखना है तो जब भूले तब निकाल कर, हाँ हाँ प्रभु जी ने बताया, फिर याद, तो उसको कहते श्रद्धा से सुनना। श्रद्धा में भेद होने से फल में भेद। तो कल से हम श्रीमद् भागवत के आगे के व्याख्यान प्रारंभ करेंगे क्रम अनुसार, और धीरे धीरे आपके सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा आगे चलती रहेगी। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। और 6ठे अध्याय में इस भागवत के नियम दिए गए हैं, तो क्या नियम, इसके भागवत के 2 मिनट सुन लेते हैं, फिर आगे कीर्तन के साथ आज के क्रम को समाप्त करें, पूर्ण करेंगे। नियम दिए गए हैं भागवत में कि व्यास आसन को थोड़ा ऊंचा लगाना चाहिए। वो आपने लगा दिया, क्यों? इसलिए नहीं कि जो बोलने वाला है वो बड़ा आदमी है, इसलिए क्योंकि जब नीचे बैठा व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो उसको नींद कम आती है, उत्कंठित होता, कंठ ऊंचा होता, ऐसे सोचता। और अगर मैं नीचे हूं और आप ऊपर हो तो आप सो जाओ। उत्कंठित होकर श्रवण करने के लिए व्यास आसन को ऊंचा लगाया गया है। दूसरा, यहां पर कलश आदि यात्रा निकाली जाती है, उसका तात्पर्य क्या है? लोग बोलते कलश में सौभाग्य है, कौन सा सौभाग्य है? कलश, कलश शब्द का अर्थ है कर लो शरणागति। जिसने ठाकुर जी की शरणागति करी उसको क्या 100, 200, 500 रुपए का कलश सौभाग्य देगा? क्या किसी धागे में इतनी शक्ति है? क्या किसी नारियल में इतनी शक्ति है कि भगवान की भक्ति के अगेंस्ट खड़ा हो जाए? बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी ठाकुर जी की शरण को ग्रहण करते हैं। पता नहीं क्यों आजकल लोगों ने मन्नत को ही, पूजा पाठ को ही भक्ति बना दिया है, लेकिन भागवत धर्म इसके परे का धर्म है, इसकी चर्चा हम कल व्याख्यान करेंगे। तो पहले जमाने में लोग साधु संतों को, वो गांव में रहते थे जंगलों में, तो उनको बुलाने के लिए कहते थे, महाराज जी चलिए हमारे राज्य में कथा करिए। तो राजा अपनी रथ को भेजकर साधु को बुलाता था, तो जिसका रूपरेखा हमने बग्गी से बना दिया आजकल कि बग्गी बिठाएंगे, पर बग्गी नहीं है, पर्पस बग्गी नहीं है, शास्त्र में बग्गी कहाँ है, रथ भेजा जाता था। यानी आप अपनी गाड़ी भेजिए उसके घर पर कि आइए महाराज जी, घर से आपको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा। महाराज जी आए मेट्रो से, गाड़ी से उतरे, फिर बग्गी में चढ़ा दिया, फोटो खींच ली, हो गया। हमने पर्पस डिफीट कर दिया है, हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो चुके हैं। जल भर के स्त्रियां चलती थीं कि अब
सात दिन न खाएंगे न पिएंगे, अगर थोड़ी बहुत जल की आवश्यकता पड़ी तो कुएं से भरा हुआ पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन कथा से अब उठेंगे नहीं, इसलिए जल भर के रख लो अपने पास। अब जल भर के रखा है ये तो सातवें दिन लाए, फिर पूछेंगे अब इसका क्या करें गुरु जी, फेंक दें कि पी लें? पर्पस डिफीट हो चुका है भागवत का, मुख्यतः एंटरटेनमेंट आयोजन मनोरंजन हो गया है, लेकिन सत्यता विहीन है। इस्कॉन प्रयास कर रहा है बार बार, मैं तकरीबन 5000 से अधिक प्रवचन दे चुका हूं और प्रयास कर रहा हूं पूरे विश्व में कि इस्कॉन जो एक सही दिशा दिखा रहा है। मैं 22 साल का था तब जब मैंने पहली बार भगवान का नाम जपना शुरू किया, और मैंने शायद कभी किसी व्यसन सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे भगवत नाम मिल गया था कम उम्र में। तो अगर आज आपके बच्चों को ही भगवत नाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैंने नौकरी नहीं करी, बड़ी एमएनसी में काम भी करा, लेकिन कभी अपनी राह से गिरा नहीं, गलत रास्ते पर नहीं गया, क्यों? भगवत नाम साथ में था। तो हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, नौकरी मत कराओ, लेकिन उनके हाथ में माला जरूर दो, गीता जरूर दो, उनको ग्रंथ सुनाने के लिए यहां पर लेके आओ, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन लाओ उनको सुनाओ। तो ये आयोजन होते थे। फिर ग्रंथकार शास्त्र पढ़ने वाले जो गुरुजी थे, उन जिससे कथा पढ़ते थे उनके ग्रंथ को, उनकी पोथी को अपने सर पर रखकर लाते थे कि गुरुजी का ग्रंथ है, गुरुजी को बड़े प्रेम से ग्रंथ सुनाएंगे, गुरुजी चलिए आपका ग्रंथ लेकर सिर पर। यहाँ पहले से ही बाजार से खरीद के पैक करके बोले फोटो, हर चीज फोटो। अरे जो हमारा ग्रंथ है जिसे हम पढ़ने वाले, वो मेरे पास इतना बड़ा बैग है जिसे लेकर मैं चलता हूँ, उसमें 18 पुस्तक हैं भागवत की, उसका वजन कितना होगा किलो में प्रभु जी? 18 किलो तो खाली भागवत का है, और अन्य ग्रंथ मिला लें तो 25 किलो के करीब मेरा बैग है। कपड़े का कम होता है, ग्रंथ का ज़्यादा होता है। अब वो आप अपने सर पर लेकर चलो, तब तो माने कि आपने यात्रा करी, कि प्रभु जी को लाएं कथा सुनने को। अब प्रभु जी खुद ही अपना बैग उठा रहे ग्रंथों का, आपने एक छोटी वाली हल्की उठा ली फोटो के लिए। तो देखो ना हम कहां कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं शास्त्रों में। फिर भगवान की यहां पर स्थापना करी जाती थी, पितरों की स्थापना होती थी कि पितरों की मुक्ति करनी है। जो पितर अगर किसी भी गति से कारण गति ना पाए हो, इस भागवत आयोजन के साथ सप्तम दिन में ही आपके पितर अगर किसी लोक में अटके भी होंगे तो उनका उद्धार होकर वैकुंठ प्राप्ति होगी। जिस घर में भागवत होती है, अगर ब्राह्मण उस भागवत को सुनता है तो वो ज्ञानी बनता है, अगर क्षत्रिय सुनता है तो यशस्वी और वीर होता है, अगर वैश्य सुनता है तो उसका धन बढ़ता है, और शूद्र सुनता है तो उसका सेवा में मन बढ़ता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है इस भागवत से, और अगर भक्त सुनता है तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से व्यास कथावाचक को लाकर बिठाया जाता था, और भक्त नियम लेते थे कि दिन में एक ही बार खाएंगे, जमीन में सोएंगे, सात दिन वैराग्य का पालन करेंगे। अरे पूरा जीवन भोग किया, जन्मों जन्मों में भोग किया, सात दिन तो योग कर ले। जब आप रामदेव बाबा जी के आश्रम जाते हो, योगा शिविर में जमीन में लिटाते हैं, कूदाते हैं, उछालते हैं, ये योगा शिविर है, भक्ति योग का शिविर है। ये कोई नाचने गाने की स्थिति नहीं, यहां नाचेंगे लेकिन हरि के नाम में, यहां हंसेंगे लेकिन हरि के गुणगान में, यहां सुनेंगे हरि कथा के श्रवण को। ये योग शिविर है, भक्ति योग का शिविर है। सात दिन जमीन में सो, यही सो जाओ, कम खाओ ताकि नींद कम आए, सुबह उठो, आरती करो, सात दिन के लिए ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। इस तरह से ये श्रद्धा देगी, भक्ति देगी, और जो जीवन में एक बार पा लिया, गारंटी है अंत काल तक ये आपके हृदय में विराजमान रहेगी हमेशा, और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को प्रदान करेगी। ये श्रीमद् भागवत की कृपा है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Hare Rama, Rama Rama.